से मोरा जीवन जीवन से मोर रस निधि से मोर वांछा सिद्धि से मोर से मोरा वेदेर धर म्रत से तप से, से मोर मंत्र जप से मोरा धर्म धरम अनुकूल हबे विधि से पदे हो ही बे सिद्धि नीर नयने से माधुरी राशि प्राणकुबल शशि र पुलिता बने शिदी न तू वा दर्शन आही गलर गरले जारलो देही चीरो दीना तापत जीवन আহা রূপ কর দايا দেহ মোরে পদ ছায়া দেও মোরে দايا নরতম লইলো শরণ रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजन હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রামে রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा जय श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय श्रील भक्त सिद्धांत सृजी ठाकुर महाराज की जय श्रील भक्त सिद्धांत श्री ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जयताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री श्रीरूपं साग्रजातां रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाः सहगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते इति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषन्यवादी पाश्चातणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण क्रिष्ना नामिने गौरव नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्तनमौ स्तुते राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुः सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभूनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधरश्रिवासति गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं हरे कृष्ण मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के रविवार्य कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की रूपरेषा कुछ अलग होगी आज हम श्री भक्त सिद्धांत ठाकुर का तिरुभाव दिवस मनाएंगे तो परंपरा के जो हमारे आचार्य हैं उनका तिरुभाव के आविर्भाव या तिरुभाव दोनों दिवस पर उनके अपीरेंस या डिसअपीरेंस डे के दिन हम <coughs> उपवास रखते हैं आ, कब तक मध्यान्ह तक लंच तक या उपवास रखा जाता है तो आज प्रसाद वितरण नहीं होगा सुबह के समय सब एकदम जाग गए बहुत सारे लोग ये क्या बात बोल दी ये पहले नहीं बताया मैसेज में पहले ही व्हाट्सएप में डाल देते थे तो हम सोच के आते थे तो आज प्रसाद वितरण केवल उनके लिए होगा थोड़ा सा जो फास्टिंग नहीं रख पाएंगे या उपवास नहीं रख पाएंगे लेकिन 11 बजे से मंदिर हॉल में ही भजन का कार्यक्रम होगा फिर 12 बजे पुष्पांजलि होगा और उसके बाद गुरु पूजा और उसके बाद भक्साण ठाकुर के लिए फिर उसके बाद हम सब प्रसाद पाएंगे तो ये रूपरेखा आज के इस रविवार कार्यक्रम की होगी इस तरह से तो जब भी जो भी आचार्य आते हैं उनके विशेष कार्य और उनके उनके गुणों के लिए उनके लिए कुछ प्रणति मंत्र लिखे लिखे जाते हैं जैसे हम शिल प्रभुपाद के लिए बोलते हैं नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम तो पहले हम स्मरण करते हैं कि भगवान के वो बहुत शुद्ध भक्त हैं और उनका नाम भक्ति वेदांत स्वामी है फिर उसके बाद उनके कार्यों के बारे में बात करते हैं कौन सा मंत्र है आगे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे ने सो नमस्ते सारस्वती देवे मतलब क्या है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हैं हाँ गौरवाणी का प्रचार किया है कहाँ किया निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषवादी शून्यवादी और पाश्चात्य जगत के लोगों के बीच में जाके इन्होंने प्रचार किया चैतन्य के वाणी का और सबको वैष्णव बनाकर भगवान की भक्ति में वापस लेकर आए ये शिल प्रभुपाद का प्रणति मंत्र है तो शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लिए तीन प्रणति मंत्र हैं एक तो भगवान के भक्त हैं तो नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने ये पहला मंत्र हो गया अभी आगे के और तीन हैं फिर कहते श्री वार्षभानवी देवी दैताय कृपाबदये उनका पहला नाम क्या था श्री वार्षभानवी देवी दैत दास वार्षभानवी देवी कौन वृषभानु की नंदिनी कौन है राधा रानी जो हर किसी सबको राधा रानी को प्रदान कर रहे हैं या हु इज फेवर्ड बाय श्रीमती राधा रानी जिनको राधा रानी की कृपा प्राप्त है और क्या करें कृष्ण संबंध विज्ञान दाई हर हर सबको क्या करते हैं कृष्ण संबंध के विज्ञान को प्रदान किया दाइने प्रभवे नमः मैं उनको नमस्कार करता हूं आगे माधुर्य योज, माधुर्योज्वल प्रेमाढ़ श्री रूप अनुग भक्ति माधुर्य उज्जवल रस जो है माधुर्य रस जो है राधा और कृष्ण के प्रेम का जो तत्व है वो रूप गोस्वामी के अनुसार अपने मन से नहीं दिया जिस प्रकार रूप को स्वामी ने उनको उसको हमको दिया है वैसे सबको प्रदान किया श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय ये भगवान गौरंग महाप्रभु के करुणा के शक्ति के विग्रह स्वरूप है नमोस्तुते मैं उनको नमस्कार करता हूं आखिरी है नमस्ते गौरवाणी क्या किया इन्होंने गौरवाणी श्री मूर्त ये दीन तारिणे <coughs> ये गौरंग महाप्रभु की जो वाणी है उसके मूर्तिमान स्वरूप थे और क्या किया रूप अनुग विरुद्ध जो रूप गोस्वामी ने सिद्धांत स्थापित किए थे अगर उसके कोई विरुद्ध गया ध्वंत हरिण ये उन सब का बहिष्कार करते थे तो हम देखेंगे कि जन्म से ही कैसे हैं और ये दिव्य लोग जो होते हैं दिव्य पुरुष जो आते हैं यहाँ ये किस प्रकार से कार्य करते आप सब आगे आ सकते हैं थोड़ा तो ऐसे महान आचार्यों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बार बार भगवान स्वयं कहते कि मैं आता हूँ या मेरे शुद्ध भक्तों को भेजता हूँ जो एक आचार्य के रूप में इस प्रकार प्रचार करके जाते हैं क्योंकि ये दुनिया इतने मूर्खों की है इतने महा बड़े बड़े मूर्ख यहाँ पर पड़े हैं तो इस दुनिया में कौन है हम भी हैं हम भी वो मूर्खों में से हैं जिनका उद्धार हम वो वो जीव हैं जो अज्ञान में पढ़े हैं और हमें क्या करते हैं ये आचार्य आकर जो उनकी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं के द्वारा हमको बचाते हैं है ना जैसे आज बहुत सारे मूर्ख हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे एक दूसरे को आपने बोला किसी को अभी तक सुबह से नहीं बोला बहुत सारे मूर्ख बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर आप बोलेंगे प्रोजी हैप्पी न्यू ईयर नहीं है तो मैंने आज सुबह एक शेर लिखा है किसी एक और ईट गिर गई दीवारे जिंदगी से एक और ईट गिर गई दीवारे जिंदगी से नादान कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर नादान कह रहे हो नया साल मुबारक हो अरे एक और साल खत्म हो गया टेंशन आना चाहिए जीवन की अवधि अवधि फिक्स्ड है कब तक रहने वाले पता नहीं है और एक साल चला गया और हम मूर्ख के जैसे एक दूसरे को बोलने वाले हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू हैप्पी नहीं है। हमको सोचना चाहिए समय चला गया जीवन की अवधि समाप्त हो गई हम कर क्या रहे हैं एक और साल इस साल में मैंने किया क्या वाट डिड आई अचीव वॉट डिड आई वॉट वॉट डिड आई डू टू प्लीज कृष्णा गुरु एंड कृष्ण मैंने मेरी साधना को कैसे किया है इसके बारे में सोचना छोड़कर क्या कर रहे हैं हम लोग मूर्ख के जैसे ये एक उदाहरण मैं आज के लिए दे रहा हूँ अनेकों उदाहरण मूर्खता के दे सकते हैं बद्ध जीवों के लेकिन इन जीवों के उद्धार के लिए क्या होता है भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को और आचार्यों को हमारे लिए भेजते हैं कि जब वो प्रचार करेंगे और उनकी वाणी और विशेषकर भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत मशहूर थे किसी लिए किस लिए उनकी कठोर वाणी जब वो बोलते थे तो कटु लगता था कठोर लगता था पर वो कहते थे मैं सत्य बोलता हूँ इसलिए कटु लगता है आपको लगेगा पर मेरे सिवा और कोई नहीं बोल रहा ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे हु एल्स हु एल्स इज स्पीकिंग द प्योर मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शुद्ध वाणी है उसका प्रचार कोई नहीं कर रहा मुझे करना पड़ेगा और विशेषकर भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जन्म के, के बाद उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके पिता हैं वो बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि महाप्रभु के जाने के 500 साल के बाद जो शुद्ध शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी थी उसमें इतने सारे डेविएशन डेविएशन को क्या बोलेंगे अपसंप्रदाय नहीं डेविएशन डेविएशन हो गए क्या हो गया डेविएशन नहीं विचलित नहीं हुए डेविएशन सो मेनी डेविएशन इतने सारे डेवी अभी आप समझो जो खंडित हो गया चलिए खंडित हो गया बोलते चले। जो शुद्ध शुद्ध भक्ति का जो प्रवाह था वो इतना खंडित हो गया और इतने गलत गलत उदाहरण प्रस्तुत करने लग गए भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने लेक्चर में कहते हैं कि वैष्णव बोलकर सामने अगर किसी को दिख गए तो शर्म आ जाएगी वैष्णवता गौड़ीय वैष्णव ने इतने गलत उदाहरण लोगों ने प्रस्तुत किए थे और भक्ति विनोद का इस तरह से प्रयत्न था आप सोच अगर भक्ति विनोद उन्होंने प्रचार किया एक समय ऐसा आ गया भक्ति विनोद हो गए कि मैं कितना करूं और मैं क्या करूं कितना बड़ा कार्य है ये तो आखिर में भक्ति विनोद ठाकुर ने <coughs> भगवान को प्रार्थना की कि भगवान अभी आपका ही एक दूत मुझे भेजी आई नॉट डू इट अलोन आई नीड अ रे ऑफ विष्णु मुझे आपका ही एक कण एक <coughs> किरण जैसा आपका आपका ही एक प्रतिनिधि भेजिए जिसके कारण जिसके थ्रू ये कार्य होगा और वो कार्य करने के लिए भक्ति से भक्ति ठाकुर ने प्रार्थना की थी उनके चौथे पुत्र के रूप में भक्ति सिद्धांत स्वी ठाकुर का जन्म हुआ है ना तो बिमल प्रसाद दत्त उनका नाम था जो जन्म के साथ जो नाम मिला था उनको तो हम उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आते मैं थोड़ा सब्जेक्ट में अंदर चला गया पहले ही दूसरे स्कंद के आठवें अध तैयार है ना आज प्रसाद नहीं है ठीक है तो आपको जब भी लगे थोड़ा गर्मी बढ़ गया है तो एसी लगा देंगे आप चिंता मत कीजिए लेकिन दो घंटा अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज ठीक है भक्ति शांत ठाकुर के जीवन के ऊपर तो दूसरे स्क... तो क्लास के बाद सीधा पुष्पांजलि शुरू करके फिर उसके बाद सीधा ही प्रसाद लेते चले है तो... ना तो दूसरे स्कंध के आठवें अध्याय का सोलहवा श्लोक है प्रमाणम अंडम कोश से बाह्याभ्यंतर भेदत महता चाचरित वर्णाश्रम विनिश्चय ये श्लोक कौन कह रहा है श्लोक परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं वो कहते हैं प्रमाणम अंड ये जो गोलाकार अंड आकार का जो पूरा ब्रह्मांड है जिसको हम ब्रह्मांड कहते यूनिवर्स है आप अंदर की लेयर्स और बाहर का सब कुछ बताओ मुझे वो ऐसा कहते हैं और फिर कहते बाह्य अभ्यंतर भेद इनका दोनों का भेद बताओ फिर तीसरी लाइन में कहते हैं महताम चा च अनुचरितम जो भगवान के महान भक्त तो हुए हैं उनके उनके चरित्र के बारे में मुझे बताओ वर्णाश्रम विनिश्चय और वर्णाश्रम पद्धति के बारे में बताओ तो ये श्लोक विशेष क्यों है क्योंकि प्रभुपाद का तात्पर्य बड़ा विशेष है प्रभुपात कहते हैं महाराज परीक्षित इज अ टिपिकल डिवोटी ऑफ कृष्णा प्रभुपात कहते महा महाराज परीक्षित कैसे हैं एक आइडियल डिवोटी जैसा होना चाहिए क्यों प्रभुपात कहते हैं इनके प्रश्न देखो उनके प्रश्न से पता चलता है प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं प्रभुपात कहते हैं उन्हें भगवान की भौतिक शक्ति के अंतर्गत क्या हो रहा है इसके प्रश्न हैं कभी कभी लोग बोलते हैं अरे भक्त तो लोग तो भावुक होते हैं ये भावुक लोगों का काम है प्रभुपात कहते देख तो देख लो परीक्षित महाराज के प्रश्न देखो केवल भावुकता के प्रश्न नहीं है पूछ रहे हैं भगवान आपकी सृष्टि कैसे क्रिएशन कैसे हुआ ये यूनिवर्स कैसे बना यूनिवर्स कैसा है पूरा मुझे तो दिखता नहीं आप तो सुखदेव व स्वामी हैं आपको सब दर्शन होता है आप बताइए सृष्टि भगवान ने कैसे की ये क्रिएशन तो प्रभुपात कहते हैं भक्त केवल भावुक होकर प्रश्न नहीं पूछते दे आस क्वेश्चन अबाउट मटल एनर्जी बट दे ऑल्सो आस क्वेश्चन अबाउट स्पिरिचुअल एनर्जी तो प्रभुपात कहते हैं परीक्षित महाराज गुड लेसन एज टू हाउ इंक्विजिटिव प्योर डिवोटी इज टू नो थिंग्स इन द ट्रू परफेक्शन कैसे काम करता है सब कुछ प्रवपात कहते हैं भक्त साइंटिस्ट एज ए गुड साइंटिस्ट में आज क्वेश्चन फिर प्रहुपात कहते हैं केवल भौतिक ज्ञान को लेकर क्या था परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं थे नॉट जस्ट मटीरियल नॉलेज तीसरे लाइन में क्या प्रश्न पूछा भगवान के महान भक्तों के चरित्र के बारे में कैरेक्टर एंड ग्लोरियस एक्टिविटीज ऑफ ग्रेट सोल्स द तो प्रभुपात कहते हैं इतना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं उस तात्पर्य में प्रभुपात कहते हैं वृंदावन में मां यशोदा को कृष्ण दिखाना चाहते थे अपने मुख के अंदर देख लो मेरा पूरा क्रिएशन देख लो पूरी सृष्टि देख लो पर यशोदा क्या देखना चाहती थी मिट्टी कितनी खाई है बता आप सोचिए भक्त को भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी सृष्टि है मेरी सृष्टि की रचना कैसे हुई है पर भक्त को क्या इच्छा है भगवान आप किस भाव में आकर एक बच्चे के रूप में आपने मट्टी खाई है मुझे मिट्टी देखने तो मुंह के अंदर है कि नहीं तो प्रभुपात कहते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड द डिवोटीज आर एबल टू सी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विद इन द माउथ ऑफ द लॉर्ड तो भक्त क्या करते हैं भक्तों को डिवोटी मटीरियल इंक्वायरी एज वेल स्पिरिचुअल इंक्वायरी स्पिरिचुअल इंक्वायरी क्या है आध्यात्मिक उनका इंक्वायरी क्या है वो भक्तों के बारे में पूछ रहे, हैं. हा? क्या कह रहे? मुझे जो के महात्मा हुए हैं भक्त हुए हैं उनके चरित्र के बारे में बताओ तो श्री प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं नव विधा भक्ति जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु सब सो गए जागेंगे थोड़ा सब ऐसे डाउन हो गए पूरा एकदम से मतलब प्रभु जी कहाँ आप भक्त ठाकुर के बारे में बोल रहे थे भागवतम शुरू कर दिया आपने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये कितने हैं नौ चीज़ें हैं जो भक्ति में करनी है श्री लोग प्रभुपात कहते ये नौ चीज़ें आप भगवान के भक्तों के लिए भी कर सकते हो भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण कर सकते हो उनके बारे में कीर्तन कर सकते हो कि भगवान के भक्त किस प्रकार भक्ति करते हैं है ना उनकी उपासना भी कर सकते हो भक्तों की भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे भक्त की उपासना कर रहे हैं है ना तो ये नवविदा जो भक्ति है तो आज उसमें से हम श्रवण करेंगे किसके बारे में श्री भक्ति सिद्धांत स्वी ठाकुर के बारे में तो वी ऑल नीड रोल मॉडल्स वी ऑल नीड हीरोज इन अवर लाइफ अवर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हीरोज आर अवर आचार्यस हमारे जो आचार्य हैं ये हमारे स्पिरिचुअल हीरो हैं क्यों ये हीरो हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के द्वारा और अपनी कथनी के द्वारा भगवान की शुद्ध वाणी भगवान के शुद्ध ज्ञान भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार किया बाय देयर वर्ड्स एंड बाय देयर लाइफ तो शिलक प्रभापात कहते हैं लिविंग पर्सनैलिटीज ब्रिंग लाइफ टू स्क्रिप्चर्स जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं अपने जीवन के द्वारा शास्त्रों को जीवित कर देते हैं ओ शास्त्र अगर ये कह रहे हैं तो भक्त के जीवन में देख सकते हैं हो शास्त्र क्या कह रहे हैं तो जैसे भगवान के अनंत गुण हैं अनलिमिटेड क्वालिटीज ऑफ कृष्णा वैसे उस अनंत भगवान की उपासना करके जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनमें भी अनंत गुण हैं सो दे ऑल्सो हैव अनलिमिटेड डिवाइन क्वालिटीज एंडर एक्टिविटीज हमारे शिल प्रभुपाद के शिष्य भक्ति विकास स्वामी महाराज उन्होंने शिल भक्ति सिद्धांत शरीर ठाकुर के ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखने का प्रयत्न किया आप अगर वो बायोग्राफी देखेंगे तो तीन खंड में हैं तीन बड़ी बड़ी बुक्स हैं और महाराज अपने लेक्चर में कहते हैं इतना कुछ था जो मैं लिख नहीं पाया तो इतना कुछ है उनके जीवन पर बोलने के लिए है ना पर भगवान को बड़ा प्रसन्न <coughs> भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं अगर उनके भक्तों का गुणगान किया जाए तो हाँ, आज हम कुछ प्रयत्न करते हैं एक एकजग कहते हैं वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर परंपरा अगर गर्व करना है भक्तों को तो गर्व किस बात का होना चाहिए अपने परंपरा का कि उसमें इतने महान आचार्य आए हैं और उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए हैं हमारे भक्त भक्ति साम्रित स्वामी महाराज वो कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच यू नो वॉट इज इंपॉर्टेंट इज हुम डू यू नो आप कितना जानते हैं वो नहीं पर आप किसको जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई लोग भागेंगे मैं इतने श्लोक याद करूंगा मैं इसको मैं इतना शास्त्र पढ़ूंगा पर वो शास्त्रों को किसके माध्यम से पढ़ना है या सुनना है भगवान के भक्तों या आचार्यों के माध्यम से सुनना है तो तो इन भान भक्तों को क्या होता है समय आने पर भगवान भेजते हैं अपने कार्य करने के लिए और समय आने पर भगवान इनको वापस बुला लेते हैं क्योंकि इनके जन्म और इनका कार्य जिस प्रकार जन्म कर्म च में दिव्यम कृष्ण स्वयं के लिए कहते हैं गीता में वैसे ही इन भक्तों का भी क्या है जन्म और कर्म बड़ा दिव्य है है ना भक्ति ठाकुर के एक शिष्य ने उनके गुणगान में एक बार कहा था कि मेरे गुरु के जैसे भक्त है ना जी महान महान भक्त महात्मा ब्रह्मा जी के एक दिन में शायद एक या दो बार आते होंगे सोचिए ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जब श्री प्रभुपाद को 1968 में प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद को फिर से हार्ट अटैक आया एक बार जाते वक्त आए थे फिर अमेरिका में हार्ट अटैक आया <coughs> तो प्रभुपाद को भक्तों ने क्या किया स्टिल्सन ब्रीच स्टिल्सन बीच है आ, वहाँ पर लेके गए कैलिफोर्निया में बड़ा प्रभुपद यहाँ पर रहो पर वहाँ पे भी इतना हवा ठंडा था प्रभुपाद बोले मुझे गर्मी चाहिए गर्म गर्म वातावरण चाहिए मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊँगा शायद मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा मुझे इंडिया वापस जाना पड़ेगा वरना मैं मैं मैं, मैं मेरी मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी आठ दस पंद्रह भक्त थे उस समय दीक्षित भक्त थे तो इनको समझा नहीं कि क्या करें प्रभुपाद अगर हमको छोड़कर चले गए इंडिया वापस चले गए वापस नहीं आए तो हमारी छोटी सी भक्ति हमने कुछ शुरू की है हमारा क्या होगा और प्रभुपात कह रहे मैंने इस्कॉन बना दिया है आपको चलाना है हम कैसे चला पाएंगे तो उन्होंने मुकुंद महाराज को मुकुंद गोस्वामी जो उस समय ब्रह्मचारी थे ना उस समय गृहस्थ थे उनको नियुक्त किया इन छोट दो चार भक्तों ने आप हिम्मत करो और कमरे में जाओ और प्रभुपाद को पूछो प्रभुपाद आपके बाद ये सब कौन चलाएगा ये प्रश्न किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की कि गुरु को जाके पूछा जाए आप गए तो उसके बाद क्या होगा है ना फिर भी मुकुंद मुकुंद महाराज बोलते मैंने हिम्मत की मैं जाकर पूछता हूँ तो जाकर जब सामने बैठे जब जब सामने जाकर बैठे तो इन्होंने प्रभुपाद को प्रश्न किया कि प्रभुपाद आपके जाने के बाद इस जगत से जा यहाँ से जाने के क्या होगा इस कौन का इसको कौन चलाएगा तो प्रभुपद थोड़ा स्तब्ध रह गए ये प्रश्न से और प्रभुपाद के आंख में अश्रु आ गए और प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु इस जगत के नहीं थे वो वैकुंठ के थे और उन्होंने मेरा उद्धार किया और प्रभुपाद ने बोलना बंद कर दिया मुकुंद महाराज को समझा नहीं इसका मतलब क्या है और वो चले गए बाहर और सबको जाके बोला रे मूर्खों मुझको जाने बोल दिया तुमने मेरे को समझा भी नहीं क्या हुआ इसका मतलब क्या होता है पर मुकुंद महाराज कहते हैं उस समय ये गुणगान सुनकर अपने गुरु का उन्होंने जब उनको पूछा गया कि आपके जाने के बाद क्या होगा तो प्रभुपद ने अपने गुरु का स्मरण किया बोलते ही वॉज अ वैकुंठ मैन वो इस जगत के नहीं थे मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या थे वैकुंठ जगत से आए थे तो आ, हमारे आचार्यों ने बताया है कि भगवत धाम गोलोक वृंदावन में श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर का दिव्य स्वरूप क्या है वो उनका नाम है वो है नयन मणि मंजरी द पर्ल ऑफ द आई उसको ऐसा भक्ति विकास महाराज लिखते हैं तो फेब्रवरी सिक्स 1874 को उनका जन्म हुआ था और तो जन्म ऐसे समय हुआ था तो जन्म ऐसे काल जन्म ऐसे काल में हुआ था कि भक्ति विनोद ठाकुर उस समय बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि किस प्रकार ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा है इसको किस प्रकार वापस ठीक किया जाए क्योंकि इतना कुछ उतल पुतल हो चुकी थी और उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म हुआ था कितने अपसंप्रदाय थे तेरह अपसंप्रदाय उस समय थे तो जैसे मैंने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी कि भगवान आपके ही एक प्रतिनिधि को भेजो जो इसके मेरे बाद ये आगे कार्य लेके जाएगा ये कार्य संपन्न उसके बिना होने वाला नहीं है तो जब ये बच्चे का जन्म हुआ था चौथे पुत्र थे तो माँ के गर्भ से जब बच्चे ने जन्म लिया तो जो नाल थी वो एक ब्राह्मण वो जो जो ब्राह्मण थ्रेड होता है ना ऐसे लगी हुई थी है ना और तो ये बच्चा बहुत मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा उनके बचपन के बारे में और हुआ क्या जब जग ये जगन्नाथपुरी में इनका जन्म हुआ था और जगन्नाथ रथ जब निकला उस साल तो इनके घर के पास भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने आके रथ रुक गया कितने दिन रथ रुका रथ हिलने को ही तैयार नहीं है एक जमाना था जब ब्रिटिश लोगों के काल में हाथी लाए जाते थे और रथ को खींचा जाता था रथ हिलता नहीं था तो रथ हिलता कैसे जगन्नाथ जी के इच्छा पे हिलता है जगन्नाथ जी चाहें तो रथ हिलेगा तीन दिन रथ इनके घर के सामने खड़ा रहा फिर आखिरी भक्ति विनोद ठाकुर जो उस समय मैजिस्ट्रेट भी थे जगन्नाथपुरी के पूरा मंदिर भी उनके अंडर में था उसका कार्यकलाप भी इन्होंने विचार किया मेरे छोटे बच्चे को भगवान का दर्शन कराता हूँ और जाके छोटे से बच्चे को जगन्नाथ जी के चरणों पे जब रखा तो जगन्नाथ जी का हार गिर गया गिरा हार गिरा इस बच्चे के ऊपर तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले एक एक करके जो मैं विचार कर रहा था सब कुछ हो रहा है यही वो बालक है जो आगे जाके भगवान का कार्य करेगा और रथ अपने आप उसके बाद आगे चला गया फिर जब चार एक चार साल के जब ये थे तो इनको पिता ने क्या किया था कुछ आम खरीद के लाए थे है ना हमारे माँ बाप भी आम खरीदते हैं और हम आम के साथ क्या क्या कर देते हैं भक्तिवनोद ठाकुर के ने जब आम खरीद के लाए थे तो छोटा सा चार साल का ना विमल प्रसाद दत्त जो भक्ति सिद्धांत जो ठाकुर थे इन्होंने क्या किया आम दिखा छोटे बच्चे को तो क्या किया आम उठा के खा लिया जब भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा तो बोला आपने बहुत बड़ी गलती कर दी क्या गलती कर दी मैंने बोला ये आम जो था ना अभी तक भगवान को भोग नहीं लगा था आपने भोग लगने के पहले खा लिया तो छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के सामने पास क्या बोलता है बोलता मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया इस जीवन में कभी फिर से मैं आम नहीं खाऊंगा और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कभी भी आखिरी समय तक आगे जाके कभी आम नहीं खाया चार साल के बच्चे का प्रण था सोचो मैंने अपराध किया है भगवान का बिना भोग लगाए अभी आप सोचिए इनको आचार्य क्यों कहना चाहिए हमको भक्ति में आने के इस्कॉन में आने के बाद ऑफरिंग करना चाहिए ऐसे नहीं खाते पता है अपना ये हाल था कि भगवान को भोग लगा के खाया जाता है ये हमको सिखाना पड़ा था इस बच्चे को सिर्फ इतना बताया पिता ने कि आपने अच्छा नहीं किया अभी तक भोग लगा नहीं था आपने खाना नहीं चाहिए था इस बच्चे ने कभी भी आम जीवन भर नहीं खाया कितने शिष्य आते थे और कहाँ कहाँ से बर्मा से आम आते थे पर भक्सा ठाकुर केवल वो आम को देखकर हाथ जोड़ते थे बोलते मैं भगवान का अपराध किया है मैंने मैं आम नहीं खाऊंगा इस जीवन में चार साल के बच्चे ने जो प्रण लिया था अठारह में जब भक्ति विनोद ठाकुर अपने परिवार के साथ कलकत्ता में रहते थे तो उन्होंने अपना एक घर बनाया वहाँ पर उस घर का नाम रखा था भक्ति भवन ये भक्ति भवन घर बनाने के लिए जब खुदाई की गई जमीन की खुदाई की गई तो वहाँ से कूर्मदेव शालिग्राम शिला मिला है ना तो इस बच्चे ने क्या किया विमल प्रसाद दत्त ने पिता को बोला मुझे कर्मदेव का क्या करना है पूजा करनी तो पिता ने बोला मुझे पता यही है ये यह करेगा पूरा मेथड बताया वर्शिप का पूरे मंत्र दिए उस समय चार साल का ये बच्चा कूर्म शीला का शालिग्राम शिला का आराधना करते थे तो भक्ति भक्तान ठाकुर के शिष्य कहते थे ये शालिग्राम शिला का आराधना ऑलवेज एग्जिक्यूटेड सच ड्यूटी वर्शिप वेरी रिजिडली वाइल मेंड ऑफ कंडक्ट बहुत इनका आराधना का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था जब ये सात साल के थे इनको पूरा गीता कंठस्थ था और ये गीता पे लेक्चर देते थे <laughs> केवल लेक्चर के समय सामने बैठकर खेलते नहीं थे सात साल के भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये श्लोकों पे मी, का मीनिंग बताते थे लेक्चर पूरा भगवत गीता कंटेस्ट था इनको एक बार भक्ति विनोद ठाकुर अभी ये ये सात साल के ही हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लेके गए और छोटे से बच्चे को बताया कि देखो ये गरुड़ स्तंभ है यहां पर महाप्रभु खड़े होते थे हाथ रख और जगन्नाथ जी का दर्शन लेते थे और जहाँ पर हाथ रखते थे वहाँ पर फिंगर प्रिंट्स के निशान हैं कि पत्थर पिघल गया वहाँ पर हाथ के निशान हैं महाप्रभु के ही बच्चे की प्रेरणा सोचो जैसे ही वो फिंगर प्रिंट्स देखा भक्तिशान ठाकुर ने संस्कृत में एक श्लोक श्लोक वहीं पे वहीं पे बोल डाला खुद का ही कंपोस्ट अ संस्कृत वर्क ग्लोरीफाइंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य इस प्रकार के थे हुँ? जब <coughs> बहुत कुछ है बोलने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं इनको तुलसी माला दी थी और हरिनाम दीक्षा दी और नरसिंह मंत्र दिया था कि आपको इस मंत्र का कर जप करना है सो so, <coughs> उनके प्रचार के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं ही रिवॉल्यूशनरी प्रीचर क्रांतिकारी प्रचारक बोल सकते हैं आप इनको है ना And अगर वो शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूं क्या कहते थे नॉट इवन वन जीवा शुड रिमेन बिहाइंड फ्रॉम गेटिंग द भक्ति ऑफ कृष्णा छोटा मोटा इच्छा नहीं था एक भी जीव बचना नहीं चाहिए जिसको कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो और अगर कोई शुद्ध भक्ति से थोड़ा भी इधर उधर गया ये टॉलरेट नहीं कर सकते थे बहुत डांटते थे अपने शिष्यों को तुमने ऐसा क्यों बोला तुमने इसको और सीधा क्यों नहीं बोला है ना जैसे शिल प्रभुपाद हमारे जो शिल प्रभुपाद हैं एक बार लेक्चर में बैठे थे और उनके एक सन्यासी शिष्य लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने लेक्चर में क्या बोला कि भगवान अपने विग्रह में भगवान विग्रह में गॉड इज 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 इन द डेटी रुको चुप क्या बोला आपने लेक्चर में रोका भगवान विग्रह में नहीं है विग्रह ही भगवान है तो प्रभुपाद ने लेक्चर जिस प्रकार प्रभुपाद ने उस समय टोका भक्ति सहन ठाकुर टोकने में बड़े होशियार थे किस बात पे गलती नहीं करना है एज इट इज देना यथारूप देना है, जशी है तशी देना है तो थोड़ा भी डेविएशन ये सहन नहीं कर सकते थे मैं नाम लेकर पाप नहीं करूँगा लेकिन कलकत्ता के एक बड़े महान संत उस समय के जिनको बोला जाता था पर मायावादी थे ये एक बार मायापुर में रास्ते के ऊपर हाथ खड़े करके महाप्रभु के जैसे एक्टिंग करके जा रहे थे किसी ने बताया ये आए हैं बक्सान ठाकुर नीचे उतरे अपने कमरे से उसको पहला एक थप्पड़ जड़ा बोला तुम्हारा ये सब एक्टिंग करना है ना कलकत्ता में जाके मूर्खों के सामने कल करना यहाँ पर नहीं चलेगा तुम्हारा ये सब अगर मैं नाम ले लूंगा तो आप यहीं से उठ के भाग जाएंगे ऐसे व्यक्ति के तो ऐसा किया मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर ठीक है पर बहुत सारी मुश्किलों को मुश्किलों से गुजरना पड़ा जात गोसाई जात गोसाई का मतलब क्या है एक एक जात गोसाई संप्रदाय बना दिया मतलब क्या है मेरे पिता उस परिवार के गुरु थे मेरे पिता जाने के बाद मैं गुरु बन गया ऐसे परंपरा में पिता का बेटा बेटे का बेटा ऐसा जात को बोलते इसी तरह संप्रदाय चले गए ये कहाँ से आया कोई गुण होने चाहिए कि नहीं गुणवत्ता होनी चाहिए कि नहीं फिर मायावाद इतना था श्री प्रभुपात कहते हैं थोड़ा सा चमड़ी उठाओ इंडियंस का थोड़ा सा सिर्फ मायावाद हो गया इतना दुष्प्रचार हुआ है कि लोग आप देखेंगे आप उनको बोलो आप गणपति के पास जा रहे हो बोलते हो भगवान गणपति भगवान है फिर बोलते आप दुर्गा भगवान है फिर बोलते कृष्ण भगवान है फिर भगवान है कौन और आखिरी में आपको क्या बोलेंगे लोग अरे सब एक ही है सब एक कैसे हो गया ये सब एक कैसे हो, हो गया ये मायावाद है तो भक्सा ठाकुर इस मायावाद और फिर उसके ऊपर ब्रिटिश राज सोचिए उस ब्रिटिश राज में रहकर प्रचार करना है और उसके बाद नेशनलिस्टिक मूवमेंट देश को स्वतंत्र करना है उसके लिए भी उसके लिए एक अलग मूवमेंट चल रहा है इतनी सारी चीजों के बीच में शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है तो भक्तशांत ठाकुर ने एक बार खूब बहुत प्रचार हुआ और उस प्रचार के द्वारा लोगों ने कुछ धनराशि दी थी भक्तान ठाकुर की इच्छा थी कि डायरोमा एग्जीबिशन बने डायरोमा का मतलब होता है छोटे छोटे पुतले बनते हैं और उनको रख कर भगवान के अलग अलग लीलाओं को झांकियों जैसे 26 जनवरी में दिखाते ना हमारे यहाँ पे झांकियाँ दिखाते हैं वैसी झांकियों के द्वारा प्रचार करने की इच्छा थी इसलिए ये धन इकट्ठा हुआ था पर हुआ क्या अभी आप सोचिए अब मैं जो बोलने वाला हूँ इसको थोड़ा एब्जॉर्ब कीजिए सब लोग हाँ मिदनापुर में उस समय बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है मिदनापुर उसमें फ्लड्स बाढ़ आई थी पर बाढ़ जब आई तो बहुत नुकसान हुआ गांधी जी जानते ना गांधी जी कौन है गांधी जी और एनी बेसेंट आपने नाम सुने होंगे ये दोनों गौड़िया और मटके दरवाज गेट पे आए थे खड़े हुए थे और इन्होंने चिट्ठी भेजी सिक्योरिटी के हाथ से बोलिए आपके गुरु जी से मिलना है तो उल्टा चिट्ठी आई है, तो वॉट इज़ द रीज़न आपको क्यों मिलना है क्यों मिलना है बोला आपने बहुत धन इकट्ठा किया बहुत मतलब उस जमाने में जितना भी होगा धन इकट्ठा किया है वो धन की हमको ज़रूरत है मिदनापुर में बाढ़ आई है उस बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए कुछ करना है भक्तसन ठाकुर ने उल्टी चिट्ठी भेजी मुझ मेरे पास आप लोगों के लिए समय नहीं आप जा सकते हो उस समय गांधी जी को ऐसा चिट्ठी लिखना सोचो और चिट्ठी में क्या लिखा पता है माया की बाढ़ में जीव ऐसे ही बहते जा रहे हैं उनको बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा मैं अकेला ही हूँ तो ये धन उसी के लिए इस्तेमाल होगा आपको नहीं देने वाला मैं आपको जिस लेवल पे कार्य करना है आप करते रहो मैं आपको नहीं रोक रहा आप मुझको मत रोको मैं आपसे मिलने वाला भी नहीं एक बार कौन मिलने आए इनको इनको मिलने आए सुभाष चंद्र बोस ये सब उस जमाने के लोग थे सुभाष चंद्र बोस मिलने आए और बोले आपके थोड़े ब्रह्मचारी दे दो मुझको देश के लिए लड़ेंगे तो इन्होंने उत्तर क्या दिया अरे पतले सुखड़े मेरे ब्रह्मचारी कहाँ वो बेचारे कुछ करेंगे आपके लिए आप अपना कार्य चालू रखो मुझे मेरा कार्य करने दो मैं उदाहरण किस लिए दे रहा हूं इस प्रकार के लोग आते थे और उस समय प्रचार करना उन सब सिचुएशन के बीच तो उनके एक शिष्य ने एक बार उनकी तुलना की थी लाइक हनुमान जिस प्रकार हनुमान कार्य कर हनुमान का कार्य सेवा जो है भगवान के लिए वैसा कुछ कार्य ये करके गए हर समय बोलते थे ओ हर ये टीचर नहीं ये चीटर है बोलते थे क्या है टीचर क्या था और हर हर अगर किसी ने थोड़ा भी शुद्ध भक्ति से अलग होकर कुछ बोला उसका खंडन करने को हमेशा तैयार रहते थे और बोलते थे आई विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग फॉर होल लाइफ मैं अपना पूरा जीवन दूंगा इसके लिए भगवान की शुद्ध वाणी को शुद्ध रखने के लिए और बोलते थे इवन इफ एवरी वन डेजर्ट्स में अपने शिष्यों को बोलते थे आप शायद सोचोगे कि हमारे गुरु क्यों इतनी दुश्मनी लेते हैं क्यों हर जगह जाकर इस तरह बोलते हैं आप भी शायद मुझको छोड़कर चले जाओगे पर मैं इस कार्य को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं जिसलिए आया हूं जिसके लिए वो करके जाऊंगा भगवान की शुद्ध वाणी को स्थापित करके जाऊंगा तो इतने सारे उदाहरण भक्ति शांत ठाकुर के एक उदाहरण आपको देता हूँ चलिए उसमें से अभी बहुत समय हमारे पास है आप चिंता मत कीजिए ठीक है ऐसा मत सोचिए प्रभु जी इज गेटिंग एग्जॉस्टेड शायद खत्म हो जाएंगे इनके पास और बोलने के इतना है बोलने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार क्या देखा कि मेरा ये जो बेटा है ना जैसे आपने अभी भी जो जगन्नाथपुरी जाके आए होंगे आपने देखा होगा कि एक मंत्र वहाँ पे थोड़ा प्रचलित है निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको बोलते हुए जप करते हुए तो दो बाबा जी थे मैं फिर से नाम नहीं लूँगा बट बहुत मशहूर थे ये ये बाबा जी लोग थे उस समय भक्शांत ठाकुर सीधा जाके चैलेंज करते थे उनको बोले मंत्र लाया किधर से ये बताओ सीधा चैलेंज करते थे उनके फॉलोअर मिल गए तो उनको प्रचार करके वापस इधर बोले तुम तुम गलत मंत्र जप कर रहे तो भक्तिविन ठाकुर को समझा एक बार कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि ये यंग लड़का थोड़ा ज्यादा दुश्मनी ले रहा है तो इन्होंने क्या बोला कि तुम तू ज्यादा ही क्रांतिकारी हो है ना तो इनको क्या किया बोला यू हैव टू प्यूरिफाई यूर आपको थोड़ा और शुद्ध होने का जरूरत है आप योगपीठ जाओ मायापुर में और वहाँ जाकर भजन करो और कैसी आज्ञाकारी शिष्य सोचो या पुत्र है शिष्य भी है पुत्र भी है अपने पिता का ये निकल गए जगन्नाथपुरी छोड़कर चले गए मायापुर उस समय मायापुर में चलने के लिए कलकत्ता से जाना होता था तो एक जगह तक मैं नाम जगह का नाम भूल रहा हूँ भक्ति विकास महाराज लिखते हैं अपने बुक में वहां तक लोकल ट्रेन था और उसके बाद कुछ दिनों तक पैदल चलना पड़ता था दिनों तक पैदल जाना पड़ता था ये पैदल गए उसके बाद नौ साल वहां पर रहे क्या करने के लिए इन्होंने विचार कर लिया मेरा हृदय शुद्ध होना है राइट और इन्होंने विचार किया मैं सौ करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा नौ साल लगे सोचिए क्या था एक झोपड़ी होती थी उसके उप अंदर उस पर भी इतने सारे छेद थे कि धूप भी आती सब कुछ होता था फिर बारिश में क्या करूँ किसी ने एक छतरी दे दी थी वो छतरी लेकर बैठते थे पर भगवान का नाम जब छोड़ूंगा नहीं एक कलकत्ता से एक व्यक्ति आए जो आगे जाके इनके शिष्य बने ये कलकत्ता से जो व्यक्ति आए इन्होंने क्या बोला मैं किसी को तो ढूंढ रहा हूँ एक साधु को जो मेरे साथ कार्य करने के लिए तैयार होगा चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है और उस समय जब ये जप कर रहे थे और पिता ने बोला था तुम्हारा हृदय शुद्ध होना है और तो इन्होंने इस व्यक्ति को क्या बोला क्या प्रचार की बात कर रहे हो अरे महाप्रभु के महाप्रभु की वाणी का प्रचार सब जगह हो गया है सब जगह भगवान के भक्त है और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते करते जाके जालंगी में कूद गए और फिर ये जो व्यक्ति कलकत्ता से आए थे इन्होंने विचार किया शायद हो गया कोई नहीं है जो चैतन्य वाणी का चैतन्य की वाणी का प्रचार करेगा नौ साल होने के बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जब अपना शपथ पूरा हुआ कि इतना मुझे जब करना है ये निकले किसके लिए कलकत्ता जाने के लिए क्या करने के लिए उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो प्रचार के लिए कुछ करना चाहता था ये व्यक्ति ने सिर्फ इतना बताया था कि मैं पोस्ट ऑफिस में उस जमाने में पोस्ट ऑफिस में वो वो पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे तो उसको जाके मिले पोस्ट ऑफिस में बोला तुम आए थे मेरे पास प्रचार करना है बोला आया था आपके बाद मेरे को कोई और दिखता नहीं आप तो तैयार है नहीं बोला अब मैं तैयार हूँ अभी हम प्रचार करेंगे उसके बाद गौड़ी मठ की स्थापना की और उस गौड़ी मठ के द्वारा प्रचार किया तो भक्ति विकास महाराज लिखते हैं मैंने जितने भी शिष्यों से बात की भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर के और हमारे शिला प्रभुपाद भी स्वयं कहते थे गौड़िया मठ वॉज अ प्लेस ऑफ कॉन्स्टेंट एक्टिविटी गौड़िया मठ कभी शांत नहीं था जो मंदिर होते थे भक्तिशांत ठाकुर के कहते सुबह दोपहर रात शाम जब भी वो सब प्रचार कार्य में बिजी हैं कितने बिजी हैं ठाकुर ने क्या किया था जब मंदिर के विग्रहों को स्थापित किया जाता था एग्जैक्टली exactly अपोजिट नहीं तो एडजेसेंट किसकी स्थापना होती थी प्रिंटिंग प्रेस की तो प्रिंटिंग प्रेस बोला ग्रंथों की छपाई चलती रहनी चाहिए और कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ शिष्य थोड़ा चिढ़ जाते थे कि क्लास चल रहा है उसमें ग्रंथ के छापने का प्रिंटिंग मशीन उस जमाने की प्रिंटिंग मशीन का आवाज़ कैसा होगा सोचे उसका आवाज़ आता था बक्सराम ठाकुर डांटे एक बार बोला सब कुछ बंद हो जाए ये ग्रंथ की छपना बंद बंद नहीं होना चाहिए बोला तुम्हारा मृदंग है ना केवल इस कमरे तक आवाज़ जाएगा इस मृदंग का आवाज़ बहुत दूर तक जाएगा ये जो ग्रंथों का आवाज़ है ना कहाँ कहाँ ये ग्रंथ जाएंगे इसका आवाज़ बहुत दूर तक होगा तो वो बोलते थे एक ग्रंथों को क्या बोलते थे बृहद मृदंग कहते थे ये एक मृदंग है जो बचता है बोलते प्रिंटिंग प्रेस या ग्रंथ जो है वो बृहद मृदंग है और बोलते थे मेरे भक्त जीवित मृदंग सोची सोची दिस इज वन मृदंगा अनादर मृदंगा इज द प्रिंटिंग प्रेस एंड माई डिवोट इज माई डिसाइपल्स है तुम सबने जाके प्रचार करना चाहिए है ना तो एक बार किसी ने उनको पूछा उनके शिष्यों के बीच में जब कोई बैठे थे शिष्यों के साथ बैठे थे तो किसी ने पूछा आ, कितने वैष्णव हैं आपके पास कितने वैष्णव हैं तो भक्सांत ठाकुर ने प्रश्न पूछा कितने पीएचडी होते हैं पीएचडी तो बहुत फिजिक्स बहुत पढ़ते हैं लेकिन पीएचडी बहुत कम होते हैं तो भक्सान ठाकुर क्या बोलते हैं मेनी कैन ऑल्सो लर्न फिजिक्स नॉट एवरीबडी हैज टू बिकम अ पी और फिर बोले आई एम नॉट हियर टू कलेक्ट फॉलोअर्स मैं यहाँ पे केवल फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आया हूँ आप ऐसा प्रश्न मुझे पूछो मत बक्साण ठाकुर मशहूर किस लिए थे ही वुड नेवर स्टे एट वन प्लेस एक जगह रुकते ही नहीं थे ये कांस्टेंट इधर से उधर उधर से उधर प्रचार कार्य कंटिन्यूस था अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था सोचिए बक्साण ठाकुर अब ट्रेन में होंगे उस ट्रेन की पटरी पे आकर लोग खड़े होंगे आप बोलेंगे क्यों ट्रेन रोको ट्रेन रुकती थी किस लिए हमको पता है भक्तिशांत ठाकुर अंदर हैं रुको क्या करने के लिए रोको ट्रेन हमको उनका दर्शन लेना है हमको उनको हार पहनाना है हमको उनसे कुछ सुनना है तो आप सोच सकते हो भक्तिसान ठाकुर को ट्रेन के दरवाजे पर आना पड़ता था और वहाँ पर उनको हार पहनाएंगे उनके चरण धोएंगे और वहाँ पर एक लेक्चर होगा और उसके बाद ट्रेन आगे चलेगी इस प्रकार से ट्रेन रोकी जाती थी सोची है ना भक्तिशां ठाकुर लेक्चर देते थे ना तो कई बार लेक्चर के शुरू में क्या बोलते थे पता है? प्लीज आप लोग ना आपके कान मुझे उधार दे दो अभी थोड़ी देर के लिए भीख मांगते थे मुझे आपके कान उधार दे दो केवल कान मुझे दे दो जितना मैं देर बोलूंगा कृपया करके अभी सुनिए और जब भक्तिशां ठाकुर बोलते थे तो क्लास मिनिमम दो घंटा या नॉर्मल पांच घंटा या सात घंटे तक तो जाता था <laughs> बोलते कृष्ण कथा सुनने में कमी मत करो इसी के लिए हमारा जन्म है हमको कृष्ण कथा सुनना चाहिए है ना तो इस प्रकार एक बार एक डॉक्टर आए और डॉक्टर ने पूछा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं बोले मेरी तबीयत बहुत ठीक है अगर कुछ खराब है ना तो इन शिष्यों के कारण है तो डॉक्टर को समझा नहीं शिष्यों ने क्या किया बोला मुझे बोलने नहीं देते जितना मैं बोलना चाहता हूँ लेक्चर कम कर देते मेरा <laughs> एक बार एक डॉक्टर आए और उन्होंने बोला देखो आपको पित्त का प्रॉब्लम हो रहा है और ये पित्त बढ़ रहा है क्योंकि आप बहुत बोल रहे हो तो डॉक्टर को बोला मैं मर गया तो चलेगा बोलना नहीं बंद करूंगा मैं, मैं हरी कथा बंद नहीं कर सकता ये अगर शरीर को मरना है तो मर जाए पर मरूंगा तो हरि कथा करते हुए मरूंगा मुझे आप शांत बैठने मत बोलोज यू वुड कॉन्सेंट ट्रैवल ही वॉज ऑलवेज स्प्रेडिंग द मिशन ठीक है तो वैष्णव सिद्धांत में दो प्रकार के सिद्धांत हैं एक बोलते हैं मार्जर न्याय और एक होता है मरकट न्याय मार्जर न्याय का मतलब क्या है तो बिल्ली है और बिल्ली, मार्जर मतलब बिल्ली बिल्ली है और बिल्ली का बच्चा है अभी बिल्ली अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है बिल्ली अपने बच्चे को, को अपने मुंह से पकड़ती है बच्चा अपना ठीक हाँ है मम्मी जिधर लेके जाना लेके जाओ और बिल्ली उठाकर मम्मी लेके जा रही है देखो बच्चे को अभी <laughs> हाथ पकड़ के लेके जा रही है ना <laughs> तो बिल्ली भी अपने बच्चे को क्या करती है उठाकर ऐसे लेके जाती है इसको बोलते हैं मार्जर न्याय दूसरा क्या है मरकट न्याय एक होता है बंदर नहीं बंदर नहीं बंदरिया बंदर है ना वो बंदरिया क्या करती है बच्चा मेहनत करता है माँ को पकड़ने का सारा मेहनत बच्चे का है माँ उसको लेके जाती है तो वैष्णव <वस्य> सिद्धांत में दो न्याय है मार्कट न्याय मर्कट न्याय या मार्जर न्याय हमेशा चर्चा करते हैं भक्त लोग हमें कैसे होना चाहिए बिल्ली के बच्चे के जैसे भगवान को पकड़ बिल्ली के बच्चे के जैसे रहना चाहिए और भगवान हमको लेके जाएंगे भगवान कृपा करेंगे तो हम भक्ति करेंगे कृपा करेंगे तो भगवान हमको लेके जाएंगे और कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमको ना भजन करना है हमको मेहनत करनी चाहिए फिर भगवान हमको लेके जाएंगे क्या करना चाहिए भक्तान ठाकुर कहते हैं एक अलग न्याय है न मार्जर न्याय न मरकट न्याय बोलते थे जैसे कोई आदमी कुएं में गिर जाए कोई कुएं में गिर गया है और मैंने उसके लिए रस्सी फेंकी, रस्सी उसको पकड़नी रस्सी वो पकड़ेगा मैं उसको ऊपर उठाऊंगा पर रस्सी पकड़नी तो उसको पड़ेगी बोलते ये सही वैष्णव सिद्धांत है कि गुरु या भगवान हमारे तरफ कृपा भेजेंगे पर कृपा पकड़ने के लिए हमें भजन करना होगा ये इस प्रकार वो कहते थे एक बार जगन्नाथपुरी में एक बाबा जी उस समय के साधु थे कोई वो भक्ति विनोद ठाकुर को मिलने आए तो भक्ति विनोद ठाकुर और भक्तिशांत ठाकुर दोनों खड़े थे ये बाबा जी आए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने दंडवत किया ये बाबा जी ने दंडवत किया जब ये बाबा जी उठे तो इन्होंने क्या देखा भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दंडवत नहीं किया था लड़के हैं जवान लड़के हैं इन्होंने दंडवत नहीं किया तो बाबा जी ने प्रश्न पूछ लिया बाई डिड योर सन नॉट ऑफर ओबेसेंसिस आपके बेटे ने दंडवत क्यों नहीं किया तो विनोद ठाकुर ने अपने बेटे की तरफ देखा फिर वो बाबा जी की तरफ देखा बोलते हैं मेरा बेटा सहजिया लोगों को दंडवत नहीं करता <laughs> <होता> है <laughs> ऐसा नहीं कि उद्दंड है मेरा बेटा उद्दंड नहीं है मेरा बेटा सहजिया लोगों को दंडवत नहीं करता सहजिया का मतलब क्या होता है वो आध्यात्मिक चीजों को बहुत चीप ले लेते हैं विशेषकर राधा कृष्ण लीला को बहुत चीप समझते हैं इनको क्या लगता है दे दे पोज एज इफ फैमिलियर विद पास्ट इनको क्या लगता है तो ठाकुर कहते हैं सहजिया कौन है दे वॉन्ट द एक्सटीसी विदाउट डेडिकेशन दे वॉन्ट रियलाइजेशन विदाउट कमिटमेंट दे वॉन्ट सैलरी विदाउट वर्क तीन चीजें बोलते थे एक्सटेसी विदाउट डेडिकेशन डेडिकेशन को क्या बोलेंगे इनका डेडिकेशन कुछ समर्पण नहीं है भक्ति के लिए कुछ समर्पण नहीं है लेकिन इनको क्या चाहिए इनको भाव चाहिए भगवान के लिए है ना ये क्या करेंगे इनको साक्षात इनको कुछ कमिटमेंट नहीं करना है पर बड़े बड़े साक्षात्कार चाहिए बोलते इनको काम नहीं करना है और सैलरी चाहिए ये सहजिया लोग हैं क्या करते हैं दे वॉन्ट द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सटेसी बट दे डोंट वॉन्ट टू डेडिकेट टू साधना भक्ति क्या चाहिए इनको भाव और प्रेम चाहिए भगवान का लेकिन साधना भक्ति में लगना नहीं है हुँ? क्या करेंगे ये सहजिया लोग वो जो बहुत एडवांस्ड भक्त हैं प्रेमी भक्त हैं भगवान के क्या होगा उनमें दिव्य उन्माद होगा तो इनको क्या लगता है आ ऐसा होता है क्या अभी हम लोग क्या करेंगे वी विल एक्ट आउट हम लोग उसकी एक्टिंग करेंगे और सामान्य लोगों को क्या लगेगा अरे बहुत अच्छे बड़े भक्त हैं ये भी केवल एक्टिंग करते हैं उनको सहज लेते हैं हर चीज़ को तो सहजिया ठाकुर ने क्या बोला मेरा बेटा सहजिया लोगों को दंडवत नहीं करता यह उत्तर था। तो ठाकुर के जो जो गुरु गुरु थे, जो गुरु थे वैसे गौर किशोरदास बाबाजी महाराज थे तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज इसके लिए उदाहरण देते थे वो कहते हैं कि कभी कभी कोई स्त्री क्या कर सकती है वो स्त्री कभी कभी जोर जोर से रो सकती है आवाज निकालेगा तो गौरक्ष बाबाजी महाराज कहते हैं केवल उस प्रकार आवाज करने से बच्चा जन्म बच्चा पैदा नहीं होने वाला है महाराज कहते हैं सहजिया लोग ऐसे क्या करते हैं इनको लगता है केवल आंख से अश्रु निकाल लिए थोड़ा रो लिया ऐसा कुछ कर दिया तो क्या होगा भगवान का प्रेम प्राप्त तो हो जाएगा है ना तो भक्ति सिद्धांत तो ठाकुर अपने बारे में वैसे ज्योतिष में बड़े महान ज्योतिषी थे इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का पढ़ाई किया स्वयं एक बुक लिखिए सूर्य सिद्धांत आज भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है ज्योतिष किसी को पढ़ना है तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का लेटर आया था इनको कि आप हमारे एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनो तो भक्तसान ठाकुर ने बोला मैं नहीं बनता तो किसने प्रश्न पूछा क्यों नहीं बन रहे तो क्या बोला पता है अगर मैं ऐसा कुछ अगर पोजीशन स्वीकार करता हूं तो बहुत जल्दी शादी के न्योते आने लगेंगे विवाह करना नहीं है मुझको नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन किया जीवन भर केवल विवाह होना करना ऐसे न्योते भी नहीं आने चाहिए मेरे लिए इसलिए ऐसा पोजीशन ही नहीं लूंगा जीवन में कुछ कि ऐसा कुछ मेरे पास प्रलोभन भी सामने आएगा इस प्रकार से था तो अपने बारे में क्या बोलते थे मैं कर्कट लग्न में पैदा हुआ हूं कर्कट मतलब कैंसर क्रैब क्रैब इज द क्रैब इज द सिंबल तो कैंसर बोलता है जिधर भी बोलते थे जिधर भी डिविएशन है मैं काटूंगा <laughs> खुद के बारे में ऐसा बोलते थे आई 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 एम लाइक अ क्रैब फाइंड डिविएशन कैच पर्सन छोड़ूंगा नहीं आपको बोलते थे तो विशेषकर मैं कह रहा था उनके जो एक प्रणति मंत्र है नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्त ये दीन तारण गौरवाणी की श्रीमूर्ति है आप भगवान चैतन्य महाप्रु की वाणी की मूर्ति हैं मूर्ति स्वरूप हैं और विशेषकर उनके एक शिष्य ने व्यास पूजा में मंत्र बोला था उनके लिए रूपा अनुग विरुद्ध रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं जो शिक्षाएं हैं उसके विरुद्ध अगर कोई गया कहीं तो ध्वंत हरिण आप उसका खंडन करते हो ठीक है तो अभी कुछ चर्चा करते हैं एक बार भक्तसन ठाकुर को शिष्यों ने देखा गौड़िया मठ चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है जहां पे जो गौड़िया मठ है जहां पे मंदिर है उस मंदिर के मंदिर से भक्सराम ठाकुर सुबह सुबह निकलते थे सुबह सुबह मतलब छह बजे नहीं ढाई तीन बजे आजकल ऐसा बोलना पड़ता है सुबह सुबह मतलब सुना आप बोलेंगे छह बजे जाते होंगे नहीं छह बजे नहीं ढाई तीन बजे उठकर जाते थे कहां जाते थे मंदिर से निकलते थे और मंदिर के पीछे खेत थे थोड़ा जंगल था पीछे एक बरगद का पेड़ था वहां जाके बैठते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी दो ढाई बजे जाके उधर क्या करते थे पता नहीं मैं, कोई जाता भी नहीं था कई दिन और कुछ शायद एक आध महीने के ऊपर हो गया ये जाते थे और फिर कब वापस आते थे दिन में ग्यारह साढ़े दस ग्यारह बजे वापस आते थे तो एक बार एक शिष्य की हिम्मत हो गई पूछने की गुरुदेव आप कहाँ जाते हैं सुबह सुबह और इतने देर तक तो बक्सन ठाकुर बोले कि क्या है थोड़ा ब्रह्मा जी नारद मुनि है ना और कई देवता आते हैं उनको चैतन्य भागवत पे कथा सुननी थी तो उनके लिए मैं कथा करता हूं ना? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया हमको अगले बार प्रश्न नहीं पूछेंगे इस प्रकार से उत्तर आया फिर इतना कुछ है ना एक बार भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये जब प्रचार के लिए जा रहे थे तो एक गांव पहुँचे जब गांव में पहुँचे तो रात हो गई थी तो किसी ने उनको एक घर पे बोला कि ये घर इस घर में आप रह लो ये उस घर में रहे रात भर और सुबह उठे जब सुबह उठे नहाने के लिए आए नदी के तरफ तो लोगों ने पूछा अरे आप प्रचार के लिए आए आप रात भर कहाँ रुके रात को अगर पहुँचे हमारे गाँव में तो भक्ति ठाकुर ने बताया कि हम उस घर में रुके थे तो लोगों ने बोला अरे वो घर पे भूत है वो जाता नहीं उस घर पे कोई इट्स अ गोस्ट हॉन्टेड हाउस आप रात भर कैसे रुके तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैंने और मेरे बेटे ने हमको समझ गया कि वहाँ पर भूत है हमने वहाँ पर रात पर बैठ कर जप किया अभी भूत नहीं है उधर पर भूत चला गया भूत चला गया तो लोगों ने पूछा भूत कौन सा भूत था आप बताओ अभी बताओ कौन सा भूत था तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला हमको पता है आपके गांव में एक पुजारी था वो पुजारी मंदिर में सेवा करते करते उसने बहुत अपराध किए भक्तों के इसलिए उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा तो लोगों ने बोला अरे बराबर है हमारे गांव का पुजारी मरा था अभी और इनको ये क्या बोल रहे हमने केवल भगवान का नाम जप किया अभी हो गया अभी उस घर को कुछ प्रॉब्लम नहीं आप तो वी चैंटेड एंड ही गॉट डिलीवर्ड और एक कथा बताऊ भूत का भक्सा ठाकुर एक कमरे में बैठे थे एक शिष्य सामने बैठे थे और उन्होंने खिड़की से एक हाथ देखा केवल है ना केवल हाथ दिख रहा है व्यक्ति नहीं है तो उसको हाथ दिखा और ये और ये बेहोश हो गया है ना तो भक्तसांत ठाकुर ने उसको पूछा क्या हो गया तुम तो बेहोश क्यों हो गए बोला शायद मुझको ना भूत दिखा तो भक्तांत ठाकुर बोले फिर भगवान का नाम क्यों नहीं जप किया तुमने भगवान का नाम जप करना चाहिए था बोला ठीक है अगले बार करूँगा फिर अगले बार ऐसा ही हुआ भक्तसंत ठाकुर बैठे हैं और इस शिष्य ने देखा इसको कुछ तो दिखा तो इसने क्या किया इस बार भगवान का नाम जप किया और फिर बेहोश हो गया <laughs> फिर भक्तसंत ठाकुर बोल रहे अरे तुम बेहोश क्यों हो गया बोले मुझको ऐसा कुछ तो दिखा आपने बोला था नाम जप करना नाम जप किया पर मेरे से सहन नहीं हुआ बेहोश हो गया तो भक्तसंत ठाकुर बोले अगले बार दिखाना तो भगवान का नाम जप करना और भागवत के श्लोक बोलना ठीक है बोला हाँ अगले बार करूँगा तो फिर तीसरे बार हुआ इसको फिर कुछ तो दिखा भक्सांत ठाकुर ने बोला क्या हो गया तो बोला नहीं इस बार बेहोश नहीं होऊंगा बोला क्या हो गया बोला फिर से कुछ तो दिखा क्या किया मैंने भगवान का नाम जब किया भागवत के श्लोक बोले अभी मुझको अभी मुझे डर नहीं बचा अभी कुछ अभी कुछ नहीं हो रहा है तो भक्सांत ठाकुर बोलते हैं हाँ ये घोष भग भूत भगाने की विधि है भगवान का नाम जब करो नहीं हो रहा तो भागवत के श्लोक बोलो भूत चला जाएगा प्रभुपात भी लंदन में प्रभुपात ने एक प्रॉपर्टी लिया था खरीदा था बहुत चीप प्रॉपर्टी बिक रहा था भक्त भक्त लेके गए कुछ बताया नहीं प्रभुपात को जाकर दिखाया प्रभुपात बोले क्या कैसल है क्या बढ़िया है ये प्रॉपर्टी तो लेना चाहिए और इतना सस्ता दे रहा है तो प्रभुपात को फिर शिष्यों ने बोला प्रभुपात प्रॉब्लम क्या है इधर ना भूत है भूत इसलिए कोई खरीद नहीं रहा तो प्रभुपात बोलते क्यों नहीं भूत बनेंगे ऐसे कासल बनाएंगे ऐसे और उसमें आसक्त हो जाएंगे तो फिर भूत तो बनना पड़ेगा प्रभुपाद बोले चलो कीर्तन करते हैं और कीर्तन किया प्रभुपाद ने और भक्तों को बोला भूत चला गया टेंशन मत लो आज भी वहां पर मंदिर है इस कौन का सोचे <laughs> तो पहले स्कंद के 19वें अध्याय के तैतीसवें और चौतीसवें श्लोक में परीक्षित महाराज कहते ये शाम समस्मरणात्मसाम सद्य शुद्धंति वही गृह सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आपके आने से नहीं सुखदेव गोस्वामी आपके स्मरण मात्र से हम जैसे गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं किम पुनर्दर्शन आपका दर्शन लेना आपका स्पर्श करना या आपके चरणों को धोना वो क्या करेगा सोचो हमारे घर में रहते हुए अगर हम आपका स्मरण करते हैं तो हो जाता है फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं सानिध्यात् महायोगिन पातकानी महान्त्यपि कितना भी कोई पातकी हो महान पतित पतित व्यक्ति हो सद्यो नश्यंति वही पुंसाम विष्णु और इव सूर्य तरह भगवान विष्णु के भक्त कृष्ण के भक्त क्या हैं बड़े से बड़े महान पातिक उद्धार कर सकते हैं <coughs> <coughs> तो प्रपात तात्पर्य में लिखते हैं इट इज सेड दैट अ के नॉट रिमेन एज सुन एज द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज चैंटेड प्रपात तात्पर्य में लिखते हैं जैसे ही भगवान का नाम जब किया जाए क्या होगा भूत वहां पर नहीं रह सकते ग्रेट सेंट्स एंड ऑफ द लॉर्ड आर इन द लिस्ट ऑफ इस जैसे भगवान का नाम है रूप है गुण है लीला है प्रभुपाद कहते है, उस लिस्ट में भगवान के भक्त भी हैं भगवान का नाम स्मरण करो या भगवान के भक्तों का स्मरण करो प्रभुपाद कहते हैं आपके सारे भूत जैसे पाप आप आपका पाप जो है वो सारा नष्ट हो जाएगा प्रभुपाद कहते सारे वैदो वैदिक शास्त्र का प्रमाण है इसके लिए वन इज रिकमेंडेड देयर फोर टू असोसिएट ओनली विथ सेंटली डिवोटिस केवल भक्तों का संग करना चाहिए क्या होगा सो दैट वर्ल्डी डीमंस एंड गोस्ट नॉट एग्जर्ट देयर सिनिस्टर इन्फ्लुएंस फिर ये जो दुनिया के जो भूत हैं क्या होगा वो आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकते फिर उसके बाद और भक्ति और ठाकुर भक्ति विकास मारक अपने ग्रंथ पर लिखते हैं ये भूत के बारे में बहुत सारी स्टोरीज है उसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको लेकिन वो स्टोरीज बता के बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ऐसे कुछ प्रचार का पूरा प्रणाली बना के गए कितने ही भूतों का आगे जाके उद्धार होने वाला है समझ गए ना आपको मैं किस तरह क्या बोल रहा हूं आपको समझ गया होगा ठीक तो भक्तिशांत ठाकुर कहते थे दो प्रकार के भूत लग गए जीवों के पीछे कौन सी भूत जैसी इच्छा लगी हमारे पीछे बोलते भुक्ति मुक्ति दो इच्छाएं एक तो भुक्ति की भोग भौतिक भोग की इच्छा है एवरीथिंग फॉर माई एन्जॉयमेंट तो ये भूत लगा है हमारे पीछे एवरीथिंग इज फॉर क्रिश्नस एन्जॉयमेंट है ना बोलना बहुत आसान है सब कुछ भगवान का है फिर आप आपका घर आपका बैंक बैलेंस वो किसका है सब कुछ भगवान का है पर हमारे अंदर ये रोग क्या है ये भूत क्या है नहीं कुछ तो मेरे लिए रखता हूँ ये भूत लगा है एक भुक्ति का भूत और बोलते दूसरा मुक्ति का भूत नहीं, मुक्त हो के क्या करोगे भगवान का सेवा प्राप्त करना ये आत्मा का असली ध्येय होना चाहिए डेट आई वंस अगेन गेट डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण पर हम क्या, क्या सोचते कई लोग प्रचार क्या कर रहे हैं मुक्त होना है अरे मुक्त होने के बाद क्या करेंगे बद्ध हैं तो भक्ति नहीं कर पा रहे मुक्त हो गए तो क्या करेंगे कुछ नहीं बक्सरण ठाकुर कहते हैं उसके बाद शुद्ध भक्ति करेंगे पर ये भुक्ति और मुक्ति के कारण क्या है हम जीवन का ध्येय भूल जाते हैं कि हमको भक्ति करना है तो भक्ति विकास महाराज कहते हैं दे क्रिएटेड ब्लू प्रिंट उन्हें ऐसा ब्लू प्रिंट बना के गए हैं टू डिलीवर द गोस्टली लिविंग एंटिटीज ठीक है थोड़ा उनके टीचर्स के साथ कुछ बात करते हैं अभी कि भक्तशांत ठाकुर और उनके जो टीचर्स बीच बीच में आए उनके जीवन में उनके साथ क्या क्या हुआ उनके और टीचर्स के बीच में उनको ब्रिटिश स्कूल में एडमिशन दिया गया ज्यादा देर पढ़ाई किया नहीं ये सब निल कुछ भी पढ़ा दें। एक बार ब्रिटिश स्कूल में क्या हुआ टीचर ने क्या सोचा अच्छे बच्चे मिल रहे हैं इनको बाइबल पढ़ाता हूं तो अभी हम बोल रहे हैं बाइबल पढ़ाता है हम हिंदू हैं शायद कोई ऐसा बोल सकता था तो टीचर ने बड़े स्टाइल से पूछा बच्चों को हाउ मैनी हाउ मैनी ऑफ यू बाइबल आप में से कितने बच्चों ने बाइबल पढ़ा है तो बिमल प्रसाद दत्त छोटा सा बच्चा स्कूल का तो बोलते योर बाइबल इज वेरी लोली स्क्रिप्चर आपको जो बाइबल है ना उच्च विचार नहीं है उसके अंदर तो टीचर को समझ नहीं छोटा सा बच्चा क्या बात कर रहा है तो बोलते हैं यूर कंसेप्ट ऑफ गॉड इज वेरी लो आपने जो कंसेप्ट है ना आपके बाइबल में जो दिया गया है बहुत लो कंसेप्ट है तो टीचर बोला कैसे क्या बोल रहे तुम तो? बोलते यूर 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 वर्शिप ऑफ गॉड इज गिव मी माई डेली ब्रेड हे भगवान मुझे रोज खाने को दो बोलते हमारे इंडिया में शाक्त है ना जो जो शक्ति की जो दुर्गा की पूजा करते हैं वो भी ऐसी करते हैं जो देवी देवताओं के उपासक हैं वो भी ऐसे ही करते हैं देव हमको कुछ तो दो जब भी जाओ तो कुछ तो मांगते रहो तो बोलते हैं वी शुड अप्रोच गॉड नॉट फॉर एनीथिंग मटेरियल बट फॉर हिज सर्विस वो टीचर चक्का अक्का बक्का रहेगा ये बच्चा है कि क्या है क्या बात कर रहा है बोलते है, बाइबल इज नॉट ऑफरिंग द हाइएस्ट पर्पज ऑफ लाइफ सोचिए तो और उनको श्लोक कौन सा बताया पता है, है धर्म प्रोचित कैत वो अत्र <laughs> भागवत आपका बाइबल बहुत लोली है श्रीमद भागवत कहता है कितने सारे चीटिंग धर्म है वो चीटिंग धर्म को उठा के फेंक देना चाहिए तो जीव गोस्वामी कैतव धर्म क्या होता है चीटिंग धर्म क्या है उसका डेफिनेशन आप जीव गोस्वामी का सुनेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे जीव गोस्वामी कहते हैं इवन वन डिजायर अपार्ट फ्रॉम प्लीजिंग द सुप्रीम लॉर्ड भगवान को प्रसन्न करना छोड़कर अगर कोई भी इच्छा है ना सब चीटिंग है बोलते सोचिए जो भी कुछ चल रहा है सब चीटिंग धर्म है अगर आप भगवान को प्रसन्न करना छोड़ के कुछ और कर रहे हैं है ना तो विश्वनाथ जी ठाकुर ने? इतना सब बोलने का मुझे बोलने की बहुत इच्छा हो रही है अभी तो बोलता हूं विश्वनाथ ठाकुर अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्त भग कैसे होते हैं, हैं भगवान हैं? शेर के समान है भगवान कैसे शेर के समान तुलना करते हैं।, बोलते हैं भगवान के भक्त भग कैसे हैं वो छोटे अभी क्या बोलते शेर के बच्चे को क्या बोलते अरे कब तो इंग्लिश में बोलते हिंदी में हिंदी में क्या बोलते हैं शेर का पिल्ला सॉरी नकद नहीं पिल्ला बोलते रहे शेर का पिल्ला क्या होता है वो शेर का पिल्ला क्या होता है वो पिल्ला है छोटा सा बच्चा है लेकिन विश्वनाथ हाथी के ऊपर हाथी के ऊपर दौड़ता है शेर है भाई पिल्ला है तो क्या हुआ बट बच्चा तो शेर का हूं तो क्या करता है शेर का पिल्ला अपनी शक्ति कभी कोई देखता नहीं लेकिन हाथी के ऊपर ये करता है ना तो भक्तिशां ठाकुर के एक शिष्य ने ऐसा उनका गुणगान किया था कि विश्वनाथ ठाकुर ऐसे कहते हैं आप भगवान के वो पिल्ले के जैसे हो गुरुदेव आप रुकते नहीं सामने हाथी के जैसा कोई बड़ा भी व्यक्ति आ जाए आप शुद्ध भक्ति देकर रहोगे आप छोड़ोगे नहीं ही वुड और कहीं कोई इधर उधर डिविएशन हो गया तो फिर तो उसका पूरा उधर ही बैंड बाजा बचता था एक बार भक्तिशां ठाकुर नहाने जा रहे थे हो गया सबका लिमिट खत्म हो गया क्या हो गया मुझको लग रहा है आज वैसे ही कम लोग आए सब सोचकर सब, 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 सब पता चल गया था शायद कब प्रसाद होने वाला है आज है ना तो एक बार भक्ति भक्तिशांत ठाकुर नहाने जा रहे थे तो नहाने जा रहे तो अपने गमछे में थे गमछा पहन के थे तो नहा जा रहे थे तो किसी ने कुछ प्रश्न पूछ लिया वहीं बैठ गए जब वहीं बैठे तो वहीं पे क्लास शुरू हो गया और किसी ने प्रश्न पूछा था व्हाट आर दिस डिवियेशन ये जो ये जो क्या बोला था व्यक्ति होता है जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो भ्रष्ट ये जो डेविएशन आते हैं छोड़ बाधाएं है भी नहीं अरे डेविएशन मींस लिटरली नो यू ठीक है विचलित अरे विचलन क्या रहे? कुछ भी होता है विचलन कुछ नहीं होता ठीक है जो भी आपको समझ गया है ना जहां पर वो हो ही वुड स्टार्ट स्पीकिंग किसी ने प्रश्न पूछा शिष्य ने ऐसे ही चलते चलते नहाने जा रहे हैं प्रश्न पूछ लिया गमछे में है प्रश्न पूछा कि कैसे डिविएशन कौन कौन से हैं उधर ही बैठ गए उधर ही बैठ गए कि ये संप्रदाय होता है अपसंप्रदाय जो है कितने हैं क्या नाम है वहीं बैठे बैठे साठ अपसंप्रदाय का बंगाली में नाम बताया उनका इंग्लिश में नाम बताया उनका गलत फिलॉसफी क्या ये बताया और उनके फिलॉसफी का खंडन कैसे करना है ये बताया बैठे बैठे उधर गमछे में कोई प्रिपरेशन नहीं कुछ नहीं ये इस प्रकार के भक्तिशांत ठाकुर थे तो वो कहते थे अगर समझी समझी चलो आईफोन लेते हैं अगर कोई आईफोन का चीप वर्जन बेच रहा हो और आपको किसी ने आईफोन का चीप चाइनीज वर्जन बेच दिया बेच दिया किसी ने और आपको बाद में पता चला अरे ओरिजिनल नहीं है आप कुछ करोगे कि नहीं उस आदमी का बेचने वाले का और अगर आईफोन बनाने वाले को पता चल गया एप्पल वालों को कि हमारा कुछ तो चीप वर्जन बेच रहा है वो कुछ करेंगे कि नहीं बक्सन ठाकुर बोलते मैं वही कर रहा हूँ भगवान का प्योर वर्जन है उसको गड़बड़ कर रहे तो मैं बोलूँगा और तुम बेच रहे उसको तो पक्का बोलूँगा समझ रहे मैं जब खंडन करता हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ आई प्रैक्टिस दैट पाथ प्योर पाथ एंड यू आर चीटिंग तो वो कहते थे कि मैंने इसके बारे में पहले बोला है पर फिर से बोलता हूँ क्योंकि इट वॉज इज वेरी फेमस थिंग दैट ही वुड से दो चीज़ के लिए बोलते थे वो एक बोलते थे यू आर नॉट मैंट टू एंजॉय गॉड यू आर मैंट गॉड इज सपोज टू एन्जॉय यू जब मंदिर आओ या भगवान के सामने आओ तो भगवान को भोगने यू डोट नॉट यू शुड नॉट एन्जॉय अरे आज भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं नहीं आप भगवान आपका दर्शन करने वाले हैं आपको भगवान की सेवा के लिए हैं आप भगवान को सेवा में मत लगाओ ये एक चीज़ बोलते थे और दूसरी चीज़ के लिए किस लिए मशहूर थे वो कहते थे कि कलकत्ता में क्या है मारवाड़ी हो कलकत्ता में बहुत मारवाड़ी हैं और ये मारवाड़ी बहुत धनी है है ना जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है महाराष्ट्रियन लोग जो होंगे वो नौकरी करेंगे बिजनेस बाहर वाले आके करते हैं ना पता ना अच्छा महाराष्ट्रीय बिजनेस वाले बंद हो जाते ज़्यादा देर कर नहीं पाते वो लोग वो सिर्फ नौकरी कर सकते हैं बने उसके लिए ही वैसे बंगाल में है बंगाल में बंगाली बिजनेस नहीं करते मारवाड़ी बिजनेस करते हैं तो भक्तराम ठाकुर कहते हैं कि ये मारवाड़ी ना कभी कभी क्या होता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बहुत धनी है लेकिन उसको एक बेटी है बेटा है नहीं बिज़नेस आगे चलाने के लिए तो मारवाड़ी को लगता है अभी क्या करने का ये धंधा भी है इतना बड़ा बिज़नेस है बेटी है तो कुछ तो सोचना चाहिए तो अभी बेटी का विवाह ऐसे ऐसे लड़के से करते हैं अच्छा लड़का होना चाहिए और बिजनेस भी आगे चलना चाहिए पर पिता को समझता है बाद में जाके कलकत्ता के सारे लड़के नालायक शहरी लड़के है ना सब लड़के नालायक हैं तो अभी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढा कहां से जाए सम गर्ल्स आर लाइक वाह मारवाड़ी क्या करता है भक्तरण ठाकुर बोलते थे ये मारवाड़ी क्या करता है बोलते हरिद्वार जाता हूं क्या करने के लिए हरिद्वार में साधु आते हैं साधु एक साधु के सामने साधु को बताऊंगा मेरा बिजनेस कितना बड़ा पता है और ये मेरी बेटी है इससे शादी कर लो बेटी के लिए साधु मिल गया और मेरे लिए जवाई मिल गया कितना अच्छा काम हो गया फिर बक्सान ठाकुर कहते थे लेकिन हरिद्वार में साधु आकर कौन बैठता है जिसको पता है ऐसा मारवाड़ी आने वाला तो बक्साल ठाकुर कहते चीटर्स एंड चीटेड इसको लग रहा है मैं इसको चीट करूंगा और उसको लग रहा है मैं इसको चीट करूंगा और दोनों चीट हो रहे हैं दोनों एक दो तो बोलते हैं कि वैसे ही क्या है कुछ लोग हैं जो शुद्ध भक्ति है उससे कुछ नीचे बोलेंगे इनको क्या लगता है बहुत फॉलोअर आसानी से ऐसे मिल जाएंगे और उन लोगों को क्या लग रहा है बहुत अच्छा है इतने में काम हो रहा है चलता है ना क्या फर्क पड़ता है तो दोनों एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं मैं चीटिंग नहीं करने दूंगा अगर मुझे कहीं दिखेगा तो मैं उसके मैं शुद्ध भक्ति के बारे में अवश्य बोलूंगा आपने अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम कभी सुना होगा अपने टेक्स्ट बुक में है ना ये भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत निकट निकट के लोगों में से थे चंद्र विद्यासागर तो एक बार चंद्र विद्यासागर अपने ऐसी कुछ क्लास दे रहे थे बहुत सारे लोग सामने बैठे थे भक्ति सिद्धांत के ठाकुर बच्चे हैं ये भी सामने बैठे हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने लेक्चर में क्या बोला द रीजन आई डोंट स्पीक अबाउट गॉड कभी कोई लोग मुझको पूछते हैं अरे आप भगवान के बारे में कुछ नहीं क्यों नहीं बोलते अपने लेक्चर में तो बोला कि बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड गॉड मुझे खुद को भगवान का ऐसा साक्षात्कार हुआ नहीं है तो मैं इसलिए कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में मेरे लेक्चर में बोलता हूँ सिर्फ नू नो हमको अच्छा, अच्छा अच्छा बी गुड मैन डू गुड टू अदर्स अच्छा रहना चाहिए अच्छा करना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए ऐसी इन बातों पर मैं बोलता हूँ क्यों और कहते मृत्यु के बाद आप अगर भगवान के पास गए और आपको अगर भगवान का अलग भगवान अलग दिखे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं दिखे तो आप बोलोगे मैंने बोलोगे मैंने चीटिंग किया इसलिए मैं चीटिंग नहीं करता मैं नैतिक मूल्यों के बारे में बोलता हूँ बच्चन ठाकुर ने अपना हाथ खड़ा किया क्योंकि अभी सभा में सब लोग क्या सोच रहे कितना ऑनेस्ट व्यक्ति ना कितना ईमानदार है हमको चीटिंग नहीं करना चाहता बक्सन ठाकुर ने हाथ खड़ा किया और बोला मैंने आपका एक पुस्तक पढ़ा है ठीक है आपने पढ़ा है और बोला आपने उस पुस्तक में कहा है कि भगवान निराकार है और अभी आप कह रहे आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ नहीं आप चीटिंग नहीं कर रहे लोगों के साथ छोटे से बच्चे ने खड़ा होकर ईश्वर चंद उस जमाने के उनको बोल रहे आप चीटिंग कर रहे हैं केवल नैतिक मूल्य देकर बुक में एक बोलते लेक्चर में कुछ और बोलते हो आप है ना तो हो जीव गोस्वामी ने भागवत संदर्भ लिखा है केवल एक चार लाइनें एक श्लोक की उस चार लाइन की एक लाइन कृष्ण भगवान स्वयं इन शब्दों को एक लाइन के तीन या चार शब्दों को समझाने की कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है इसके लिए छह पुस्तकें लिखी हैं जीव गोस्वामी ने सोची कि किस प्रकार कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो भक्सन ठाकुर कहते थे आई हैव टू बी लॉयल टू द प्रीवियस आचार्यस मेरे जो पहले आचार्य हो के गए परंपरा में मुझको उनके लिए प्रामाणिक रहना है इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा ठीक है एक और नाम बताता हूँ अभी ठीक है भक्सन ठाकुर एक बार राजा राम मोहन रॉय को मिले सुना है आपने नाम राजा राम मोहन रॉय बहुत बड़े समाज सेवी थे है ना सती प्रथा के अगेंस्ट उन्होंने बहुत कार्य किया है ना पर आपको पता है इनका टूंब किधर है इनका इनका क्या कहते हैं उसको मकबरा मुसलमान का होता है उसका समाधि संत की होती है टूम <laughs> टूम जो होता है ना स्मारक नहीं रहे स्मारक भी नहीं क्या बोलते हैं आप आप न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना आपको आपको देख के हैरानी हो जाएगी किलोमीटर माइल्स 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 एंड एंड क्या है केवल मुर्दे ग्रेवयार्ड है इतना जगह बर्बाद कर रहे हैं फिर मुझको किसने बताया पूरा मैनहेटन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो न्यूयॉर्क की दिखती है ना सब नीचे क्या था वो असली में क्रिमेटोरियम था खोद दिए निकाल दिए कंगाल सारे और उधर बिल्डिंगें बना दी इन्होंने और न्यूयॉर्क इज फेमस फॉर गोस्ट कभी अगर आप जाएंगे संभल के रहना ठीक है तो राजा राम मोहन राय का टूम किधर है पता है आप लोगों ने क्या सुना समाज सेवी थे हिंदू धर्म का इतना इन्होंने किया था, इनका टूम है लंदन में और वहां पर उनके टूम पर क्या लिखा है पता है पत्थर पे क्या लिखा है द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ बाइबल हाँ आप सर्च करो गूगल में में मिलेगा आपको राजा राम मोहन राय का उधर जो भी बनाया मकबरा बोलो जो भी बना दिया उधर उस पर लिखा है बाइबल के प्रचारक थे आपको कभी सिखाया बुक्स में सोचिए राजा एक्चुअली वॉज अ क्रिश्चियन पर हिंदुओं को किस प्रकार अपने अगर हिंदू बोलना है धर्म से भटकाने का और उनको क्रिश्चन बना देने का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया सोचो ये आर्य समाज के फाउंडर थे एक बार विक्टोरिया मेमोरियल अगर आप कलकत्ता गए होंगे कभी विक्टोरिया मेमोरियल में राजा राम मोहन राय बैठे और उनके फॉलोअर्स बैठे और लेक्चर चल रहा है और लेक्चर के बाद भजन हुआ और भजन में क्या बोलते हैं भजन का एक लाइन था उस भजन का लाइन था निराकार तोमार चरण देखी आप भी हंस रहे हैं क्योंकि आपने प्रभुपात के ग्रंथ पढ़े उस भीड़ में कोई हंस नहीं रहा था भक्सण ठाकुर ने हाथ खड़ा किया बोला आप इतने बड़े लीडर हैं पर आप कैसे मूर्ख था कुछ भी बात करते हो आपके भजन में था निराकार भगवान आप निराकार हैं फिर चरण कैसे देखी वॉट काइंड ऑफ एब्सर्ड कॉन्ट्रेडिक्शन भक्सा ठाकुर ऐसा बोले पिता ने इनके लिए एक टीचर रखा था संस्कृत सिखाने के लिए छोटे से बालक हैं पृथ्वी पृथ्वीश्वर शर्मा इन पंडित से इनको संस्कृत सीखना था और कौन से बुक से सिखा रहे थे सिद्धांत कौमुदी इस भक्त इस बुक से उनको संस्कृत सिखाया जा रहा था और ये टीचर भी महान थे और बुक भी बड़ा विशेष था वेरी प्रोमिनेंट संस्कृत ग्रामर बुक्स तो संस्कृत का जो व्याकरण है उसका स्नातक बनने के लिए बारह साल लगते हैं है ना संस्कृत व्याकरण के लिए इन्होंने उसको तीन महीने में सीखा तीन महीने में पूरा संस्कृत व्याकरण इस बालक ने खत्म कर दिया और ये टीचर ने सोचा अरे इसको क्या सिखाऊं तो अभी इसको संधि सिखाता हूँ संधि ये और एक टेक्निकल सब्जेक्ट है संस्कृत का कि दो शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है बहुत सारे रूल्स हैं उसमें है ना कई महीने लगेंगे एक्सप्लेन करने के लिए भक्त ठाकुर ने तीन दिन में उसको सीख लिया तो ये ग्रामर टीचर को समझ नहीं रहा था ये बच्चा है कि क्या है भाई ये कौन है ये किस प्रकार से करता है तो टीचर ने स्टूडेंट को बोला इतनी घाई नहीं करना चाहिए पढ़ने की आराम से पढ़ना चाहिए संस्कृत है ग्रामर है केवल संस्कृत ग्रामर पढ़ने से आपको मुक्ति मिल जाएगी जैसे ये सुना संस्कृत टीचर के मुंह से तो भक्शांत ठाकुर बोलते संस्कृत पढ़ के या शास्त्र पढ़कर अगर मुक्ति प्राप्त करनी होगी मैं संस्कृत पढ़ना बंद कर रहा हूं और बोल दिया आपसे आज से आप मेरे टीचर भी नहीं मैं संस्कृत त्याग रहा हूं और मैं टीचर को भी त्याग रहा हूं क्योंकि आपने बोला कि शास्त्र पढ़ के संस्कृत पढ़ के मुक्ति प्राप्त करना जीवन का ध्येय है वॉट डिड यू से दर्पज ऑफ स्टडिंग ग्रामर इज टू अटेन लिबरेशन आई रिजेक्ट ग्रामर एंड आई रिजेक्ट यू एज ए टीचर सोचिए और ग्यारहवें स्कंद में कृष्ण स्वयं इस बात को उद्धव को बोलते हुए कहते हैं कि अगर शब्द ब्राह्मणी निष्णा तो न निष्णावात परे यदि आपने शास्त्र बहुत पढ़े पर अगर आपका शास्त्र पठन आपको भगवान की शरणा शरणागति तक नहीं लेके आता श्रमस्त केवल श्रम किया है ना केवल यूजलेस श्रम किया बोलते हैं ही अधेनुम इव रक्षत कृष्ण उदाहरण दे रहे इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गाय है जो दूध नहीं देती और उसको आप संभाल रहे हो है ना या उसका दूध निकालने का प्रयत्न कर रहे हो क्या फायदा है वैसे शास्त्र पठन कर रहे लेकिन भक्ति तक अगर नहीं आ पाए तो केवल श्रम किया है ठीक है हमारे पास कितना समय आपको क्या लगता है अभी और आपको पूछता हूँ, और तीन घंटे हमारे पास बारह बजे तक सीधा सीधा पुष्पांजलि करेंगे आज ठीक है देखते 1900 हंड्रेड 1900 नाइनटीन हंड्रेड ठाकुर ऑन द ऑर्डर ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर अपने पिता के आदेश के ऊपर इन्होंने क्या किया भक्ति ठाकुर ने बोला आपको अपना जीवन सफल करना है आपको एक गुरु से दीक्षा लेनी होगी है ना नतमस्तक होना होगा और दीक्षा लेनी होगी किससे ठाकुर को पूछा तो बोला गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज से अभी भक्ति इज अ स्कॉलर सॉरी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इज अ स्कॉलर है ना और भक्त और गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अशिक्षित थे अ स्कॉलर बीइंग टोल्ड टू सरेंडर एंड सबमिट एंड एक्सेप्ट गुरु किसको जो अशिक्षित है बहुत मुश्किल है ये काम करना ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है अहंकार के लिए कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं किसको गुरु बोल के स्वीकार करूँ जो अशिक्षित है कोई गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज हाँ तो इन्होंने क्या किया गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज क्या कहते थे मुझे शास्त्र वगैरह कुछ आता नहीं मुझे इतना पता है पाँच आने में कृष्ण प्रेम मिलता है कलकत्ता के मार्केट में तो कलकत्ता के मार्केट में पाँच आने में मिलता है बोला केवल दो ग्रंथ खरीद लो पुस्तकें भजन के बुक हैं प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है ये दो बहुत है बोलते बस इसमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा आपको तो स्कॉलरशिप एंड सबमिशन डज नॉट गो टुगेदर वेरी डिफिकल्ट स्कॉलरशिप एंड सबमिशन पर भक, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला था आपको गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेनी है इतने बार गए इतने बार प्रार्थना की मुझे आपका शिष्य बोल के स्वीकार करो गौरक्ष बाबाजी महाराज हमेशा भगा देते थे बोले नहीं 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 मैं शिष्य स्वीकार नहीं करने वाला मैं बहुत पतित थूं मुझे कोई योग्यता नहीं है मैंने विचार कर लिया है मैं कभी शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा आके अपने पिताजी को भक्ति और ठाकुर को बोलते थे और भक्तिन और ठाकुर ने बोला तुम्हारा जीवन जीवित रहने का कुछ जरूरत नहीं है अगर तुम गुरु को गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते और दीक्षा नहीं ले सकते फिर जाते थे एक बार गौरक्ष बाबूजी महाराज ने क्या बोला मैं महा चैतन्य महाप्रु को पूछूंगा फिर बताता हूँ फिर से गए उनके पास आपने पूछा मेरे को दीक्षा देने के लिए परमिशन मिली तो बोलते भूल गया तो भूल गए मैं फिर से आऊँगा फिर इतने बार आना जाना किया और आखिरी में उनकी प्रामाणिकता देखकर क्या किया बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दी और बोले केवल आप और इसके बाद कोई नहीं एक ही शिष्य सोचिए क्योंकि तुम इतने प्रामाणिक हो इसलिए मैं आपको आपको दीक्षा दूंगा और गौर बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को दीक्षा दी हा? और और दीक्षा के पहले भी क्या होता था पता है बाबा जी महाराज भक्तरण ठाकुर को बोलते थे ये तो हमारे प्रभु वो अपने उनको प्रभु बोलते थे और भक्तिविन ठाकुर और भक्सन ठाकुर जब भागवतम पे चर्चा करते थे तो बाबा जी महाराज आके बैठते थे सोचिए सुनने के लिए और फिर इनको बताया गया आप उनसे जाके दीक्षा लो है ना तो किसी ने एक बार जब भक्तसंत ठाकुर नाव में बैठे थे तो बोला अरे आपके गुरु तो भजन आनंद ही केवल भजन में आनंद लेते हैं आप घूम घूम के प्रचार करते हो आप इत, आप गोष्ठ्यानंदी हो आप इतना करते हो आपके दोनों में आपके दोनों में दोनों के मूड में बहुत डिफरेंस है आप अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं क्या तो भक्तसं ठाकुर बोलते हैं नाव को देखकर बोलते नाव बहुत बड़ी है इंजन बहुत छोटा है दिखता नहीं बोलता है मैं मेरा प्रचार शायद इस नाव के जैसा है पर ये नाव मेरे प्रचार की नाव क्यों चलती है पता है मेरे गुरु भजन कर रहे हैं इसलिए सारी शक्ति उनसे आती है इसलिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ कंटिन्यू करें ठीक है मैं अभी एक लेटर पढ़ता हूँ थोड़ा लेटर सुनकर आपको भी लगेगा कि अरे क्या लिखते हैं सोचो लिखने के वाला भी क्या किस प्रकार से लिखा जा सकता है किसी शिष्य के ये हारमोनिस्ट मैगजीन में पब्लिश हुआ था एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहेगा उनके बारे में बोलूं आपने मदन मोहन मालविया के बारे में सुना क्या स्थापना की थी उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी मदन मोहन मालविया एक बार इनके लेक्चर में बैठे थे इनका लेक्चर सुना बहुत प्रभावित हुए और लेक्चर में उन्होंने बताया भक्त ठाकुर ने कि किस प्रकार पब्लिकेशन चलते हैं हमारे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली ओडिया आसमीज इतनी भाषाओं में हमारे पब्लिकेशन चलते हैं इतनी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं हमारी और बताया कि किस प्रकार मंथली मैगजीन्स हैं और बोला एक नादिया के नाम का एक न्यूज़पेपर है जो डेली न्यूज़पेपर निकालता हूं मैं तो मदन मोहल मालविया को समझा नहीं क्या बोले डेली आध्यात्मिक न्यूजपेपर मैंने कभी सुना नहीं था ऐसा भी हो सकता है तो इन्होंने लेक्चर के बाद आके भक्तसान ठाकुर को पूछा कि डेली न्यूज़पेपर कैसे निकाल सकते हैं आप आपके पास इतना छापने के लिए है क्या तो भक्तसान ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण गीता में कहते कहते हैं कि मेरा आध्यात्मिक जगत है ना वो थ्री फोर्थ ऑफ क्रिएशन है और भौतिक जगत वन फोर्थ है, है ना और वन फोर्थ क्रिएशन में उन्होंने बोला केवल एक कलकत्ता छोटा सा शहर है यहाँ पर सुबह के न्यूज़पेपर दोपहर के न्यूज़पेपर शाम का न्यूज़पेपर रात के न्यूज अगर भौतिक जगत के एक शहर में इतना न्यूज़ हो सकता है आपको पता है आध्यात्मिक जगत में कितना न्यूज़ है मैं तो हर क्षण एक न्यूज़पेपर छापने को तैयार हूँ आप पढ़ने वाले लेके आओ मदन मोहन मालवीय को ऐसा उत्तर देना हर किसी की बात नहीं थी एक बार मदन मोहन मालवीय आए हैं मिलने के लिए मंदिर में तो भक्तशांत ठाकुर ने बोला उनको बिठाओ मैं कुछ चीज़ में बिजी हूँ मैं आता हूँ जब तक कि नीचे बैठे थे एक ब्रह्मचारी को लगा कुछ सेवा के लिए कोई मिल नहीं रहा ये बैठे हुए दिखे मदन मोहन मालवीय तो उनको बोला चलो आ जाओ बैकअप के लिए आ जाओ <laughs> क्या करना है बोला अभी भगवान की आरती हुई है तो आरती का जो प्लेट है वो सब धोना है तो इन्होंने बोला ठीक है अभी मेरे को प्लेट धुलवा रहे तो मैं इन्होंने कुछ बोला नहीं जाके प्लेट धो दी और प्लेट धोने के बाद फिर आके बैठे भक्तशांत ठाकुर आए तो पूछा अरे अरे आपको कुछ प्रश्न थे आप प्रश्न पूछने वाले थे बोला मैं नहीं मैंने सेवा की तो सारे प्रश्न समाप्त हो गए सोचिए तो भक्ति साधव ठाकुर एक बार जगन्नाथपुरी से ट्रेन से कलकत्ता पहुंचे थे मोस्टली ऐसा ही है तो किसी ने इनको बताया कि आपके एक शिष्य के एक आपके जो शिष्य हैं उनका एक जवान लड़का मर गया डेथ हो गया है तो उन्होंने वहीं पर बैठ के एक लेटर लिखा है किसको अपने शिष्य को जो पिता है उसको एक लेटर लिखा है क्या लेटर है आप देखोगे ना वो कहते हैं आई हैव दिस मॉर्निंग कम टू श्री गौड़िया मठ फ्रॉम पुरी मैं गौड़िया मठ आया हूँ पुरी से इमीजिएटली ऑन अराइवल एट द स्टेशन आई हर्ड मुझे पता चला कि भगवान की इच्छा के द्वारा बाय द विल ऑफ गॉड यूअर सन हैज गॉन अवे फ्रॉम अस आपका पुत्र हमसे दूर चला गया है देखो क्या लिखते हैं यू न्यू हिम एज यूअर सन आप उसको अपने पुत्र समझते थे बट ही इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण वो कृष्ण का दास है आपके वैष्णव के घर में आया था किसलिए यू आपके घर में जन्म लिया था हुँ? और आपका ऑफिस था जो कृष्ण का ऑफिस है ना आपका घर वहाँ पर आपको सेवा देने के लिए आया था बोलते हैं योर सन इन डीड गॉट इज बॉडी फ्रॉम यू उसका शरीर आपसे मिला था लेकिन जो आत्मा है ना वो वैष्णव है वो भगवान का पुत्र है हिज इटर्नल ड्यूटी इज सर्विस ऑफ गॉड उसका नित्य धर्म क्या है भगवान की सेवा करना वो कहते हैं अ वैष्णव कम्स इन टू दिस वर्ल्ड ऑन द प्रोटेक्सट ऑफ इंडिविजुअल नीड एक वैष्णव इस जगत में आता है किस लिए भगवान का प्रतिनिधि रूप के रूप में कुछ समय के लिए रहता है भगवान के मिशन में और फिर जहां पे बलदेव या त्यानंदपुर फिर से बुलाते हैं उसको वापस जाना पड़ता है वो कहते हैं जो भौतिक तत्वों से जो शरीर बना था वो भौतिक तत्वों में विलीन हो गया वो कहते हैं पर जो आत्मा है वो क्या है भगवान की सेवा के लिए आगे गई है आपका जो पुत्र है जिसको आप अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए आपने जन्म दिया था मेरा बेटा मेरे लिए ये करेगा वो कहते हैं, आप माया में जाते थे इसलिए भगवान ने आपको बचा लिया सोचिए योर सन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फिश एंजॉयमेंट हेज बिन फ्रॉम द कंपनी ऑफ इज फादर एज अ सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फिश एंजॉयमेंट वो कहते हैं योर सन जो आपका बेटा है जो आत्मा है इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ गॉड वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है वो वैष्णव क्या है एक केवल भगवान की सेवा और उसके लिए है भगवान ने क्या किया उसको माया से निकाल दिया और अपने वापस धाम लेके गए या जहाँ उन उसके लिए सेवा नहीं थी वहाँ उसको रखा है और वो कहते हैं कि महाप्रभु ने जब सन्यास लिया तो अपने घर वालों को क्या बोला आई एम ओनली अ बींग मैं एक व्यक्ति हूँ कुछ संबंध हमारा है लेकिन मेरे जाने के बाद आप जो भी संबंध सोचते हो वो आप भगवान में लगाओ और अपने भजन में ज्यादा अच्छा बनो ऐसे महाप्रभु बोल के गए ये लिखते हैं और फिर लेटर के अंत में लिखते हैं इन द एबसेंस ऑफ योर सन यू विल ऑल्सो हैव मोर टाइम फॉर सर्विंग गॉड हेड आपके बेटे को जितना समय जाता ना सेवा करने उस समय का इस्तेमाल अभी भगवान की सेवा में करो वॉट गॉड डज इज गुड ऑलवेज गुड फॉर यूर गुड भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं और लास्ट लाइन लिखते हैं वॉट मोर कैन आई से टू कंसोल यू इससे और मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है आपको सांत्वना देने के लिए कि सांत्वना देने का लेवल सोचिए किसी व्यक्ति का क्या हो सकता है विथ इटर्नल ब्लेसिंग्स श्री सिद्धांत सरस्वती यू नो मीटिंग कभी कभी हम मीटिंग के लिए वेट करते हैं अपने गूगल कैलेंडर में मीटिंग्स होते हैं बहुत सारी मीटिंग करते हैं और कुछ नहीं निकलता उसमें से कभी कभी लेकिन जब ये दिव्य पुरुष मिलते हैं ना दिव्य लोग मिलते हैं ऐसा कुछ उस मीटिंग्स में से होता है प्रभुपद अपने एक लेक्चर में याद करते हैं मैं तो जाने वाला भी नहीं था मेरे दोस्त नरेंद्र मलिक ने खींच मुझको लेके गया ये एड्रेस उसमें एक साधु है उसको मिलते हैं प्लीज़ तो मैंने बोला प्रभुपाद अपने कहते मैंने बहुत साधु देखे बहुत बहुत ढोंगी साधु हैं सब मुझे नहीं मिलना है तो इस एक साधु को मिल लो तो मुझे वो उल्टा दंगा जंक्शन रोड पर लेके गए जहाँ पे एक रेट एक रेंटेड जैसे अपना रेंटेड प्रॉपर्टी है वैसे एक रेंटेड प्रॉपर्टी था गौड़िया मठ का तो नरेंद्र क्या किए अभय को लेकर गए हमारे प्रभुपाद को लेकर गए और वहाँ पर पूछा वो आपके गुरुदेव हैं कि गुरुदेव तो कोई ब्रह्मचारी थे उन्होंने बोला वो छत के ऊपर बैठे जाओ तो ये दोनों दोस्त छत के ऊपर पहुंच गए छत के दरवाजे से जैसी अंदर आ रहे थे इन्होंने देखा साधु हैं तो दोनों दंडवत कर लिया जब दंडवत करके उठे भी नहीं थे और बक्सान ठाकुर बोलते हैं यू आर इंग्लिश एजुकेटेड आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है आपको चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पाश्चात्य जगत में जाकर अंग्रेजी में उसका प्रचार करना चाहिए और प्रभुपाद हमारे जब खड़े हुए अभय बाबू क्या बोलते हैं पता है मैं आपको जानता नहीं आप मुझको जानते नहीं आप मुझको आदेश दे रहे हो है ना और प्रभुपाद ने बोला कौन सुनेगा चैतन्य की वाणी पहले इंडिया को स्वतंत्रता मिलना चाहिए और भक्तसन ठाकुर ने क्या बोला सोचो उस समय अरे पहले मुगल राज करते थे फिर ब्रिटिश राज कर रहे आगे जाके इंडियन राज करेंगे भौतिक जगत बदलने वाला नहीं है इसको चीज इसको बदलना नहीं है अपने आप को बदलना है और इस जगत से निकलना है इसलिए मनुष्य देह है और प्रभुपाद बाद में याद करके बोलते हैं मैं मेरे स्कूल और कॉलेज में डिबेट में कभी हारा नहीं था पर मेरे मैंने फर्स्ट मीटिंग में समझ लिया ये मेरे गुरु हैं क्योंकि उन्होंने पहली मीटिंग में हारा दिया मैं कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं रख पाया उसके बाद है ना? मैं क्यों कह रहा हूं ये एक मीटिंग ने हम सबके जीवन को बदला है सोचो सो मैनी मीटिंग्स वी हैव सो मैनी मीटिंग हम कितने मीटिंग करते हैं शायद उससे कुछ नहीं होता लेकिन जब ये दिव्य पुरुष मिलते ना एक भक्त सिद्धांत ठाकुर और एक शिलो प्रभुपाद एक मीटिंग के बाद क्या क्या दुनिया का पूरा सबका जीवन बदल गया एक प्रश्न उनको किसने पूछा था चलिए इसके साथ समाप्त करते हैं, चलिए देखते हैं। नहीं कुछ और है ठीक है कुछ बचा तो किसी ने उनको प्रश्न पूछा हु कृष्णा अट्रैक्ट कृष्ण सर्व आकर्षक हैं कृष्ण का नाम का मतलब है सर्व आकर्षती थी कृष्ण तो प्रश्न पूछा हु कृष्ण अट्रैक्ट कृष्ण किसको आकर्षित करते हैं तो कहते हैं कृष्ण तीनों जगत को आकर्षित करते हैं फिर कहते हैं लेकिन विशेषकर कौन सी आत्माएं आकर्षक हो आकर्षित होंगी उनसे बोलते हैं दो प्रकार की कौन सी बोलते एक जो सेवक है और दूसरा जो सेवोन्मुख है बाकी नहीं अगर कभी लग रहा है वेन डेवलप अट्रैक्शन फॉर कृष्ण मैं कृष्ण के प्रति कब आकर्षित हूंगा तो भक्तसंण ठाकुर कहते हैं दो चीज दो बनने दो प्रकार के बनने पड़ेंगे एक तो सेवक बन जाओ या सेवक तो नहीं है अभी तो बोलते सेवोन मुख बन जाओ ये दो प्रकार के जीवों को क्या करते हैं कृष्ण आकर्षित करते हैं ग्रीट टू रिलीज द स्वीटनेस ऑफ ट्रांसल सर्विस टू हिम अट्रैक्ट बोथ टाइप ऑफ सोल्स ये दोनों प्रकार सेवक और सेवोन्मुख जीव है ना ये क्या करना चाहते हैं कृष्ण नहीं कृष्ण की सेवा का रस आस्वादन करना चाहते हैं तो आ, अभी उनके क्योंकि आज तीरोभाव दिवस है तो थोड़ा तीरोभाव के बारे में बोलता हूं उनका जब तीरोभाव का समय था जैसे मैंने बोला दोपहर के समय आसपास उन्नीस सौ छत्तीस थर्टी तो ये अपने जो भी शिष्य बैठे थे इनको उन्होंने आखिरी इंस्ट्रक्शंस दिए इन्होंने आदेश दिए सबको कुछ चीज़ें अपने बारे में बोली और कुछ आदेश दिए तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं तो भक्ति प्रज्ञान केशव स्वामी महाराज फिर भक्ति विलास तीर्थ महाराज जो उनके बड़े बड़े सन्यासी भक्त थे सोचो शिष्य ऐसे थे कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में जब लिखना है उनकी बायोग्राफी लिखनी है तो भक्ति विकास महाराज कहते हैं मैं उनके शिष्यों के बारे में नहीं लिखूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसे ऐसे एक से एक बड़े शिष्य क्या क्या प्रचार करके गए ये लोग तो बहुत सारे अभी मैं और नाम नहीं लूंगा ये सब यहां पर उनके सामने बैठे थे तो कहते हैं आई एम अनहैप्पी सोचिए जाने का समय आ गया अभी शरीर छोड़ना है बोलते आई एम अनहैप्पी मैं दुखी हूं दुखी हैं बोलते है, क्यों बोलते आई हैव कम फॉर अ मिशन मुझे चैतन्य महाप्रभु ने एक मिशन के लिए भेजा था क्या करने के लिए कि विप्रलम्ब सेवा क्या है राधा कृष्ण की सेवा क्या है उनका माधुर्य प्रेम क्या है ये ये गिफ्ट दुनिया को देना था इसलिए मैं आया था पर मैं बहुत दुखी हूँ तो इस समय फिर भी दुखी क्यों कह रहे हैं बोलते हैं लेकिन मेरा सारा टाइम किस में चला गया जो गलत जंगल उग गया था मायावाद का सहजियावाद का सा, इन सबको खंडन करते 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 इसी में मेरा समय चला गया मुझे पता था जब तक ये जंगल काटूंगा नहीं तो शुद्ध भक्ति का बीज लगाने में कुछ फायदा नहीं तब तक बोलते संसार इतना भयंकर हो गया है ये जगत इतना इतना भटक गए सब लोग इनको सही रास्ते में लाने और इनको बचाने में, में मेरा सारा समय चला गया और फिर क्या बोला पर मैंने ये करने के लिए क्या किया बहुत सारे यंग लड़कों और लड़कियों को बोलते हैं मैं, आई हैव स्नैच्ड बोलते बहुत सारे माता पिता मुझसे दुखी हुए हैं क्यों क्योंकि मैंने बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियों को प्रचार किया मतलब अपने प्रचार में और देर वर मैनी ऑफिस सन्यासी जिन्होंने उनसे सन्यास लिया ना जिन ऐसे शिष्य थे जो कॉलेज में प्रोफेसर थे एक मीटिंग एक मीटिंग में ये कभी वापस गए नहीं घर अपने कभी क्योंकि ऐसा मीटिंग इनसे मिलने के बाद ऐसा प्रेरणा होता था वापस घर ही नहीं गए कॉलेज नौकरी तो छोड़ो घर भी नहीं गए ऐसे शिष्य सोचो एक शिष्य आए थे ये बोलने के लिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अभी मंदिर में रहना चाहिए और पूरा सेवा करना चाहिए ये विवाहित थे बोला आपने विचार कर लिया घर जाने की जरूरत नहीं यहीं रहो रो अभी, हो गया मनुष्य का जीवन इसीलिए बनाया अगर तुमको इसका साक्षात्कार हो गया है ना मत जाओ इस संसार में वापस भक्तरण ठाकुर ने पहला नवद्वीप परिक्रमा किया उड़ीसा से बंगाल से मद्रास से जहाँ जहाँ से प्रचार होता था इतने सारे लोग आए थे पहला नवमंड नवद्वीप परिक्रमा के लिए पूरा परिक्रमा समाप्त हुआ मंदिर में आखिरी प्रसाद हुआ लंच प्रसाद हुआ सबने बैग पैक करके रखे थे जाने के लिए और भक्तराम ठाकुर ने क्या किया बताया बक्सर ठाकुर ने जाकर गेट बंद किया मंदिर का और चेयर लगाकर गेट के पास बैठ गए और उनके आंखों में आंसू थे और लोगों को क्या बोल रहे हैं पता है आप क्यों जा रहे हैं माया के जगत में फिर से आपको केवल भगवान का भजन करना चाहिए आपके ये मनुष्य देह केवल उसके लिए मिला है आप प्लीज मत जाओ सोचो चैतन्य महाप्रभु के धाम में आपने आप, आपने अभी परिक्रमा की है आपको धाम वास ही करना चाहिए आपको नहीं जाना चाहिए ना। तो वो कहते हैं आई हैव गिवन सफरिंग टू मेनी पर्सन मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है सबसे पहले किसको याद किया मैंने बहुत सारे एजुकेटेड बॉयज एंड गर्ल्स उनके मां बाप को जिनको जि क्योंकि इनके बच्चों को मैंने छीन लिया क्या किया बोलते दे वर वेरी फ्यूरियस दे आर फ्यूरियस विथ मी ये याद किया फिर बोलते हैं नवदीप और वृंदावन में बहुत सारे नो, क्या हैं आ, सहजिया हैं और या बहुत सारे आ, जात गोसाई लोग हैं ये लोग मेरे से बड़े दुखी हैं इनको भी मुझे दुखी करना पड़ा फिर क्या कहते हैं पर मैंने सबके फायदे के लिए किया जो किया आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई डिड फॉर फॉर एवरी वंस वेलफेयर फिर बोलते हैं शायद इनको ये अभी नहीं समझेगा मेरे जाने के बाद शायद इनको समझेगा कि मैंने जो भी किया ये इनके अच्छे के लिए किया मैं दुखी हूँ इस वक्त कि मुझे बहुतों को दुखी करना पड़ा बोलते पर मेरा कार्य यही था मुझे ये कार्य सौंपा गया था इसी के लिए मैं आया था फिर भी सबको लगा कि फिर किसी ने पूछा कि अरे ये ये बहुत दुख में जा रहे हैं तो किसी ने पूछा हमको क्या करना चाहिए अभी तो फिर फिर ट्रैक चेंज हुआ बोलते हैं सो यू शुड सर्व राधा एंड कृष्ण अंडर द शेल्टर ऑफ गुरु तत्व गुरु के आदेश में रह के आपको राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए शिष्य को बोला डोंट कॉरल गुरु हैं तब तक आप साथ में रहे कोऑपरेट किया मेरे जाने के बाद झगड़े मत करना डोंट थिंक यू विल बी हैप्पी बाय कलेक्टिंग वर्ल्डली पोजेशंस इस संसार में कुछ प्राप्त करोगे और उससे सुखी हो जाओगे ऐसा कभी मत सोचना यू मे बी लैकिंग सो मेनी थिंग्स शायद आपके पास बहुत सारी वस्तुओं की कमी होगी पर यह मत सोचना वस्तुओं के कारण प्रचार होता है या धन के कारण प्रचार होता है आपकी प्रामाणिकता के कारण प्रचार होगा हुँ? आपका आपको अगर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो बोलते हैं यू डोंट रन बिहाइंड यूजलेस मटेरियल एम्बिशंस इस संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए मत दौड़ो बिसाइड्स दीज डिजायर्स क्या है ये शरीर कितने जल्दी जर्जर हो जाएगा और जब बुढ़ापा आएगा ना आप भजन नहीं कर पाओगे आपको फिक्स एंड अल्टीमेट गोल फॉर योर लाइफ फिर बोलते हैं ये याद रखना शरीर को सुख मत दो हमेशा याद रखो आत्मा को क्या सुख देगा वो करो वन डे दिस मंडे इन बॉडी विल बिकम वेरी ओल्ड पॉइजन बाय मैनी डिसीजेस एंड इट विल बी फिनिश्ड येट एट दैट टाइम इफ यू हैव गिवन योर बॉडी टू कृष्ण फॉर इस सर्विस योर लाइफ विल बी अ सक्सेस अगर इस शरीर का इस्तेमाल मनुष्य देह का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा के लिए अगर किया होगा तो आपका जीवन सक्सेसफुल है तो बोलते हैं ऑफर दिस रिचेड बॉडी टू कृष्ण आपका शरीर अच्छा नहीं है मनुष्य इस इस भद्दे गंदे शरीर को क्या करो कृष्ण को समर्पित कर दो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय व्यू डू नॉट कॉरल अमंग योर सेल्फ ओवर यूजलेस वर्ल्डली वैल्यूज पहले क्या बोला कुछ वस्तुओं के लिए झगड़े मत करो अभी नेक्स्ट लेवल पे लेके गए डोंट कॉरल ओवर वर्ल्डली वैल्यूज इस इस जगत में कुछ अच्छा बनने के लिए ऑलवेज कीप इन माइंड वॉट आई हैव टोल्ड यू उसके बाद इतना बोलने के बाद इन्होंने क्या किया इन्होंने भक्ति प्र भक्ति, प्र, भक्ति केशव महाराज को बोला आप श्री रूप मंजरी पद गाओ और नवीन कृष्ण प्रभु एक ब्रह्मचारी एक गृहस्थ थे गृहस्थ भक्त थे नवीन कृष्ण प्रभु उनको बोला आप तुहा दया दया सागर ताराईते प्राणी तुया दया सागर सागर ताराइते प्राणी ऐसे एक भजन है विनोद ठाकुर का बोला आप ये गाओ श्री रूप मंजरी पद खत्म हुआ ये भजन खत्म हुआ फिर दूसरा भजन जब चल रहा है ना इतने आँखों में अश्रु थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के कि भगवान की करुणा को याद करके इन्होंने कुछ तो करके ऐसे शक्ति नहीं थी हाथ में अपना हाथ उठाया अपने सर के तरफ लाया और ऐसा हाथ जोड़ा भगवान को और सब वैष्णव जो वहाँ पर खड़े थे और आँख में अश्रु ढाते ढाते इन्होंने अपना देह इस प्रकार छोड़ा हाथ जोड़ते हुए तो हु� और उसके बाद फिर इनका समाधि मायापुर में बनाया गया गौड़िया गौ गौड़िया मठ जहाँ पर है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान है उसके पास में जहाँ पे उनका भजन वो करते थे नाइन फोर्टी फाइव हो गया दो चीज़ें और बोलता हूँ बस चले एक बार चैतन्य महाप्रभु आप में से जो भी मायापुर गए होंगे जो चैतन्य मठ है वहाँ पर गंधर्व गंधर्विका गिरिधारी के विग्रह हैं और आपको ऐसे छोटे छोटे दरवाजे हैं तो भक्तसांत ठाकुर एक साइड खड़े थे और दर्शन ले रहे थे और उनका चश्मा भी नहीं था उस वक्त वो चश्मा पहने नहीं थे और थोड़ा दूर थे तो एक शिष्य ने जाकर पूछा बोला कि गुरुदेव थोड़ा आप इस साइड आ जाओ आपको अच्छा दर्शन मिलेगा तो भक्तसांत ठाकुर बोलते हैं डू नॉट अटेम्प टू सी द डेटिस विद दिस मंडे इन विजुअल सेंसेस इन 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 आंखों के द्वारा भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो क्या कहते हैं ऑप्टिन डिप्योर डिवोशनल क्वालिफिकेशन शुद्ध भक्त की गुण शुद्ध भक्ति की गुणवत्ता आप में होनी चाहिए तब भगवान स्वयं आपको देखेंगे हम कौन है भगवान को देखने वाले हमको ऐसा बनना चाहिए कि भगवान हमको देखें अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय भक्तांत ठाकुर अपने शिष्यों को कई बार बोलते थे बी वेरी केयरफुल विथ ऑफेंसेस आपको मैं भक्ति दे रहा हूं लेकिन अपराध करोगे तो ये भक्ति छूट जाएगा आपसे सेवा का अपराध उसके लिए मैं कुछ अपराधों के लिए कुछ कुछ उदाहरण देता हूँ एक बार भक्त्यांत ठाकुर लेक्चर के नीचे आ रहे थे थोड़ा लेट हो गया आने के लिए दो ब्रह्मचार्य लोग बैठे थे दो ब्रह्मचार्य ने कीर्तन शुरू कर दिया तो एक ब्रह्मचारी गा रहा था और एक ब्रह्मचारी मृदंग बजा रहा था ये मृदंग बजाने वाले को नींद आ रही है बजाते बजाते ऐसा हो सकता है मृदंग बजाते बजाते नींद आ रही है भक्षा... तो जो गा रहा था उसने देखा भक्तराम ठाकुर नीचे आ रहे हैं तो अरे गुरुदेव आ गए तो उसने क्या किया इसका मृदंग छीना और मृदंग लेकर कीर्तन करने लग गए भक्तराम ठाकुर व्यासासन पर नहीं गए इस ब्रह्मचारी के पास आए और बोला हम यहाँ पर सबको सेवा में लगाने के लिए हैं सेवा छीनने के लिए नहीं किसी की सेवा छीनना यह अपराध है आप उसको समझा सकते हो कि आ, कि वो सो रहे हैं और ठीक से पर, पर आपको सेवा छीननी नहीं चाहिए थी किसी की है ना? इतनी छोटी सी चीज़ में इतनी बड़ी बात है ना वेरी वेरी सटल कि अपराध से हमको सेवा में अपराध वैष्णवों का अपराध एक बार एक बहुत बड़ा सिंपोजियम हुआ मायापुर में ब्रिटिशर्स को बुलाया गया था ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो भी आए थे अटेंड करने के लिए बहुत सारे यू नो पत्र पत्रे होते ना अपने टीन के पत्रे होते हैं। उसके बहुत सारे कॉटेजेस बने थे और हुआ क्या जैसे सिंपोजी वो वो मीटिंग्स खत्म हुए इतना जोर से बारिश और बवंडर आया ये सारा का सारा टीन के पत्रे उड़ गए और जो टिन के पत्रे उड़े तो ये मंदिर की तरफ एक पत्रा आया और विशेषकर आपने जो देखा होगा भक्त ठाकुर ने चैतन्य मठ के वहां उस गंधर्वी का गिरधारी मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा मार्ग में क्या किया है चार संप्रदाय आचार्यों के विग्रह रखें तो रामानुजाचार्य का जो विग्रह जो छोटा सा मंदिर है उसका जो ऊपर का गुंबद जैसा होता ना उसको आकर ये लगा और ये टूट गया और भक्सन ठाकुर ने बोला कोई तो पुजारी है जो सेवा में अपराध कर रहा है ना उसके कारण ये हुआ और जब पता किया गया तो बोला हाँ एक भक्त हैं जो पुजारी की सेवा कर रहे हैं पर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे खुद के जीवन में भक्तराम ठाकुर ने मैंने मैंने बोला था आप लोगों को सेवा में संभाल के रखना तो सेवा अपराध धाम अपराध इतना वो केयरफुल रखते थे सबको और विशेषकर केवल बाहर वालों को कठोर प्रचार के लिए मशहूर नहीं थे अपने भक्तों को भी और सन्यासियों के लिए तो ऐसा था ऐसा कड़क थे एक बार अपने सन्यासियों को बोलते हैं डू नॉट ट्राई टू कमिट इंटेलेक्चुअल प्रॉफरी आप बोलेंगे कौन सी इंग्लिश थी भाई ये प्रॉफरी शब्द मेरे को भी ढूंढना पड़ा आपको किधर होता है ये शब्द इंटलेक्चुअल प्रॉफरी का मतलब होता है बहुत बड़ा बड़ा करके बोलना कि इसलिए सामने वालों को खुश करना है अभी मैं सेंटेंस पूरा करता हूँ बोलते हैं डू नॉट कमिट अपने सन्यासी को कह रहे हैं डू नॉट कमिट इंटेलेक्चुअल प्रॉफरी टू प्लीज द रिच मैंस वाइव्स हु कम फॉर योर प्रोग्राम ऐसा था कि पानी मांगना पड़ेगा अब थोड़ा एक और बताता हूं चलो एक बार प्रसाद सेवा चल रहा था सर्विंग चल रहा था बक्सान ठाकुर का एक रूल था जब प्रसाद सर्विंग चल रहा हो मंदिर में अब इस रूल का आप लोग फायदा मत उठाना पर रूल क्या था पता है अगर प्रसाद सेवा चल रहा है और अचानक से कोई आ जाते हैं तो बक्सराम ठाकुर बोलते सबसे पहले उनको प्रसाद खिलाना तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों बोलते परमात्मा प्रेरित हैं ये प्रसाद के लिए भगवान ने उनको बुलाया है इनको खिलाना चाहिए प्रसाद आपको एक बार प्रसाद वितरण चल रहा था मैंगो का सीजन था भक्संत ठाकुर मैंगो नहीं खाते थे है ना और मैंगो जो और और स्टैंडर्ड क्या था मंदिर का सन्यासी सर्विंग करेंगे ब्रह्मचारी गृहस्थ प्रभु जी माता जी बच्चे सब प्रसाद खाएंगे सन्यासियों को नम्र रहना चाहिए है ना तो सर्विंग चल रहा है मैंगो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है एक सन्यास उस दिन क्या हुआ था कोई अवलिया कोई राज्य होगा वहां की रानी होगी कोई छोटे छोटे राज्य होते थे वहां की कोई रानी होगी वो आई थी वो भी प्रसाद खा रही थी तो एक सन्यासी ने दूसरे सन्यासी जो आम सर्विंग कर रहा था उसको बोला अरे अरे वो अवलिया की रानी आई ना उसको तुम वो आम दो जाके उसको आम सर्विंग करो भक्तिशां ठाकुर प्रसाद खाते खाते क्या बोलते पता है तुम गौड़िया सन्यासी है कि अवलिया सन्यासी है सोचिए इतना कड़क काम था <laughs> इनको प्रसाद सेवा इनके प्रसाद के लिए प्लेट इनके रूम में जाती थी सर्विंग प्रसाद खाने के लिए इनको पता चला कि जो मैं प्रसाद खा के छोड़ देता हूँ शिष्यों को स्वीकार करना चाहिए गुरु का उच्चिष्ट तो इनको पता चला कि रोज रोज आता है तो शिष्यों ने क्या किया उसमें से स्वीट निकाल कर खाते थे बाकी डाल देते थे सोचो क्या कर सकते हैं इन्होंने बोला अगली बार से नेक्स्ट डे से जब प्लेट आई तो फिर उसका नमक बुलवाया और सारा नमक प्लेट में डाला ऐसा करके सब कुछ मिक्स किया फिर खुद खाया और बोला भेजा जब प्लेट बाहर आया तो शिष्यों को समझा ऐसा क्यों आया बोला आपको बचाने के लिए कि आप गुरु अपराध कर रहे हो कि गुरु से आपको जो अच्छा लगते वही लोग हैं सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा गुरु का उच्छिष्ट है ना उनको सिखाने के लिए भक्तिश ठाकुर कई दिनों तक केवल नमक डाल के खा रहे थे सोचिए कि शिष्य कभी तो कोई मुझे पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है तब जाके मैं बताऊंगा दैट्स द लेवल ऑफ हिज प्रैक्टिस एंड दैट्स द लेवल ऑफ एग्जाम्पल ही वुड सेंड फॉर हिज सेट फॉर हिज डिसाइपल्स ऑल्सो वेरी सो मच टू स्पीक अबाउट हिम मे बी समाइम अदर अभी दस बजे मैंने दस बजे बोला था 9:52 हो गया है एनी बडी यू एनी बडी अमांस यू यू रिमेम्बर एनी फास्ट टाइम यू कैन शेयर इट नाउ अगले आठ मिनट में करते हैं उसके बाद रुकते हैं मैं बहुत बोल रहा हूँ एनी थिंग्रू हाँ भक्सांत ठाकुर ट्रेन में जा रहे थे है ना हम जैसे यात्रा में जाते इसी यात्रा में ट्रेन में जा रहे थे तो, तो भक्सांत ठाकुर ने विचार किया चलो मैं देखता हूँ सारे बोगी में बैठे हैं भक्त लोग तो मैं जाकर देखता हूँ तो ब्रह्मचारी इस कुछ बोगी में बैठे थे तो एक ब्रह्मचारी ने क्या किया था जो ट्रेन की खिड़की है उस खिड़की पे ऐसे हाथ रख के ऐसे रखे तो बक्सांत ठाकुर ने उसको बोला चलती ट्रेन में तुमको शादी विवाह कर लेना चाहिए तो गुरुदेव ऐसा आदेश विवाह कर लेना नहीं, तुमको सपोर्ट चाहिए ना बोला <laughs> <laughs> तो आपको सपोर्ट चाहिए आपको विवाह कर लेना चाहिए बक्संत ठाकुर बहुत फेमस थे बोलने के लिए अगर आप जैसे आप अभी सब लेक्चर में बैठे हो आपकी पीठ की हड्डी 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 और सर अगर सीधा है ना तो बोलते देन यू आर अटेंटिव अदरवाइज यू आर नॉट आप अटेंटिव कब है जब आप इस तरह बैठ सकते हो नहीं आप थोड़ा ऐसा करके देखो देखो मन भाग जाएगा कहीं तो बोलते ये योगिक पोस्चर है अगर आपको मेडिटेशन करना है ध्यान देना है तो इस तरह बैठना पड़ेगा तब आप जो सुनोगे या जब करोगे ये आप सुन पा रहे होस आ, जब गौर गौ, गौरक्ष बाबाजी महाराज का उन्होंने देह छोड़ा था तो लोकल बाबा जी लग रहा था नहीं नहीं इनका समाधि हमारे मठ में बनना चाहिए हमारा क्यों बाद में फिर यात्री आएंगे दर्शन के लिए भक्त ठाकुर ने बोला था नहीं केवल अकेला के मैं शिष्य हूं मैं इनकी समाधि बनाऊँ बहुत बड़ा स्टोरी है बट अ वेरी गुड पास टाइम यस एनीथिंग हाँ वैष्णव और ब्राह्मण का एक सभा था भक्तिनो ठाकुर जा नहीं पाए तो अपने बेटे को भेजा था तुम जाओ इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया था कि ब्राह्म किस प्रकार एक वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर होता है उस मीटिंग के बाद जो भी सभा में बैठे थे वो ऐसे दौड़े भक्तशांत ठाकुर की तरफ क्या करने के लिए इनके चरण छूने के लिए और चरण का धुली लेने के लिए कि पुलिस को बुलाना पड़ा भक्तशांत ठाकुर को स्टेज से उठाया गया एक कमरे में लेकर गए बकेट में उनके पैर डाले उनके पैर धोए और वो जल लेकर बाहर जब तक छिड़का नहीं पब्लिक छोड़ नहीं रही थी बोला इस व्यक्ति के तो चरण का हमको दूरी चाहिए भवक है? कौन है ये क्या क्या एक्सप्लेनेशन था ये एक बार भक्ति और ठाकुर और भक्सराम ठाकुर अपने घर पे बैठे थे बालकनी में स्वानंद सुखंत कुंज जो घर है जालंगी के उस तरफ और बेटा खड़ा है पिताजी बैठे हैं और ऐसा हाथ दिखाकर बोला जालंगी के उस तरफ हाथ दिखाया बहुत जल्दी यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर आएगा जर्मन आ, जर्मन जापानीज़ अमेरिकन्स ब्रिटिशर्स ये सब आकर इंडियन बंगाली ये सब आकर यहाँ पर कीर्तन करेंगे और ऐसा अद्भुत मंदिर आएगा बहुत जल्दी और भक्तसंह ठाकुर बोल रहे मुझे दिख रहा है पिताजी को दिख रहा है बेटा बोलता है मुझको भी दिख रहा है और हमारे शिला प्रभुपाद ने क्या किया अभी आप मायापुर जाएंगे है ना दीनानाथपुर और माता जी अभी मायापुर से ही आ रहे हैं आपको किसी को चाहिए तो चरण दूरी ले लीजिएगा <laughs> अभी आए हैं अद्भुत मंदिर बन के अभी रेडी हो रहा है है ना फेबर में नरसिंहदेव ट्वेंटी नाइन में नरसिंह देव को को वहाँ पर रखा जाएगा अभी जहाँ से उनका मंदिर है इतना बड़ा मंदिर है ये अद्भुत मंदिर का दर्शन पिताजी और बेटे ने बालकनी से किया था और वहाँ पर क्या होने वाला ये भी बता कर गए हैं इस प्रकार के ये दिव्य लोग हैं हमारी परंपरा बहुत विशेष हैं हमें गर्व होना चाहिए और इनको ऐसे आचार्यों के बारे में स्मरण करके इनको अपना हीरो बनाना चाहिए और इनके जीवन से और इनकी वाणी से प्रेरणा लेकर हमको शुद्ध भक्ति के मार्ग पर डटे रहना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद शील भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर की जय शील प्रभुपाद की प्रेमनंदे हरी हरी तो 11 बजे यहाँ तक रुकिए प्लीज 11 बजे हम पुष्पांजलि करेंगे सॉरी भजन गाएंगे 12 बजे पुष्पांजलि होगा और उसके बाद सबके लिए प्रसाद होगा ठीक है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे, हरे। हम ग्रेस प्रभु जी के कृतज्ञ है प्रभु जी आपने इतने अच्छे तरीके से महाराज के दिव्य पास में हमें बताया विथ योर परमिशन प्रभु जी आपके लेक्चर से दो तीन पॉइंट्स में बोलना चाहूंगा कृष्णा हैज गॉट अनलिमिटेड पास अनलिमिटेड क्वालिटीज क्वालिटी प्राउड ऑफ यूर परंपरा इन स्पिरिचुअल लाइफ इट ड हाउ मच यू नो ऑल इट मैटर इज होम यू नो कृपया शांति रखे कैन यू प्लीज है ओके यहां पर कोई नए भक्त है पहली बार जो मंदिर आए कि नहीं सीधे हैंड्स प्लीज माता जी इसमें से कोई और कोई नए भक्त लोग आए तो ये ये अनाउंसमेंट के बाद आप प्लीज मुझसे संपर्क करें आपके लिए एक मेरे पास बहुत बहुत ही बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ठीक है सो सुभज आई विल बी देयर तो हम क्विकली आज के बुक जो इस सप्ताह के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर से उसके लिए अनाउंसमेंट करते हैं टीम वाइज तुलादान 551 भगवत गीता ऑन टीम हैज डन 118 भगवत गीता 40, 44 कृष्णा बुक्स 8 मीडियम बुक्स एंड 9 स्मॉल बुक्स Baner team has done, Baner and Balabali team has done 91 Bhagavad Gita, 40 Krishna books. Ratani team has distributed 2 sets of Srimad Bhagavatam, 221 Bhagavad Gita, 36 Krishna books, 5 big books, 3 small books. And donation received is 14,094 for Shastradan. Little bit loudly this time.

ऑनलाइन टीम हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनलाइन टीम डिस्ट्रीब्यूशन बाय तुषार शर्मा प्रभु जी भगवत गीता 237 कृष्णा बुक 15 श्रीमद् भागवतम सेट्स 4 चैतन्य चरितामृत 2 सेट्स ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रेयणा माता जी वन सेट ऑफ श्रीमद् भागवतम 324 भगवत गीता एंड रेडी फॉर दिस ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन बाय हिज ग्रेस लोकेशवर कृष्णा प्रभु जी 500 भगवत गीतास

Okay, and the प्रशादम for, the प्रशादम इस दामाद स्व में शाह प्रभु जी के विवाह के उपलक्ष्य में विच वॉज ऑन ट्वेंटी प्रभु जी और माता जी की इच्छा है की सभी भक्त लोग नव युक्ति को आशीर्वाद प्रदान करें

कृष्णा बुक कॉन्टेस्ट के लिए भार टेबल लगा है तो आप वहाँ पर जाके अपने बच्चे के लिए या अपने परिचित के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप उसको एनरोल कर सकते हैं और एक स्पेशल वन थाउजेंड रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट है मैराथन uh, रेट के भी ऊपर तो फर्स्ट इलेवन सेट्स ऑफ श्रीमद भागवतम uh, उसके ऊपर आपको ये मिलेगा और दिस विल बी साइंड बाय सर्वभौम प्रभु जी तो आप चाहे तो ये विशेष डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं और आज राम कथा अजीत माधव प्रभु जी हैन कॉन्टेक्ट हिम एंड वी कैन कलेक्ट दिस फाइनली आज शाम से आपको पता है क्या होने वाला है तो आप आइए आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को लाइए पड़ोसियों को लाइए और अगर आप चाहे तो कुछ अगर डोनेशन कर सकते हैं तो प्लीज अस नो आप घर मत जाइए सो यू कैन स्टे हियर थैंक यू वेरी मच एक बात आई जस्ट वॉन्ट टू सेन से दिस इन हिंदी Uh, when I was listening to Prabhuji's lecture, Prabhuji, and if you agree, just say yes, okay, once, you, once I finish this. There was so strong desire and so the restlessness of Prabhuji that please listen to this and let's absorb the message of pastimes from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. And Prabhuji, all glories to you for giving such a nice lecture and it was so resonating. You agree with this? Yeah. Thank you very much.